फॉर दो आर वेटिंग फॉर कि वो अपनी फॉर एम जी एफलीट्स प्रोग्राम किसको अपनी वो, श, वो करवाया मोर देन हाफ अच्छा सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैं कैसी थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ सम वन एल्स वो वुड लाइक टू ऑप्टिन बिकॉज वी हैव लाइक वन और टू मोर पोजिशंस ओपन फॉर एम जी एफलीट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है काफ़ी सारे लोग हैं सही है तो जस्ट मैसेज मी ऑन ऑन फेसबुक ठीक है बट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू हैंडल एटलीस्ट टेन स्टूडेंट्स एंड देर क्वेरीज एंड देन यू हैव टू इट बैक टू मी जब मैं हम लोग जब अपनी बात रखेंगे सब कुछ करेंगे ठीक है जस्ट मैसेज मी मैसेज मी ठीक है जस्ट मैसेज मी एंड जस्ट से आई एम इंटरेस्टेड फॉर ए एम जी एफिलियट्स फॉर दोज हुर इंटरेस्टेड फॉर शॉप जस्ट मैसेज मी आई एम इंटरेस्टेड फॉर

Uh, बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन सका तो मैं आई एम गुड विद शपफाई एज वेल बट देन मेक श्योर दैट तुम्हारी प्रायोरिटी जो है वो फिर शपाफाई है ठीक है um, मारुख है उसने वो शापाफाई के लिए ऑप्टन कर रहा है और वो शोपफाई के ही बंदों को देख रहा है तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर फॉर दैट अबाउट दैट मैं फिर आगे देखता हूँ क्या हो सकता है um, अच्छा और आज जब मेरा क्योंकि मसला प्रॉब्लम है ओके oh, कैसे okay, uh, um, ग़ुलाम सब सेट है यार बस यार गुलाम इवन मीट यू उसका रीजन तुम समझ ही सकते हो कोविड 19 के ज्यादा मसले आए हुए एंड yeah. नहीं श्योर तुम मुझे कॉल करो कोई मसला नहीं है um, तो बात करते हैं फिर खैर तो ओके लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ मैं पहले थोड़ा सा तुम लोग को कोविड नाइनटीन के ऊपर बता दूं टॉप शिपिंग स्ट्रेटेजी क्या चल रही है लोगों की आजकल लोग क्या कर रहे हैं एक थोड़ा सरसरी बता देता हूँ तुम लोग को और फिगर्स हैं ज़्यादा तुम लोग को समझ आ जाएगा एग्जैक्टली वट टू एक्सपेक्ट इट वेट रिकॉर्डिंग चल रही है यार स्टॉप रिकॉर्डिंग आया पास रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ पहले तुम लोग को अब देखो अभी जो ये वबा जो आई हुई है इसमें एक जो मेजर इशू है वो ये है कि दुनिया के सारे बिजनेस अफेक्ट हुए हुए चंद के हैंडफुल हैं और उनमें फायदा हो रहा है बाकी सब में तकरीबन सब में नुकसान हो रहा है अच्छा काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स अफेक्ट हुई हुई है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई हुई है बिल्कुल हुई हुई है तभी मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को ये कोरोना वायरस से रिलेटेड इनकी अपनी वो है कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं कौन सी नहीं क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुम लोग यहाँ सी रिपोर्ट देख सकते हो इस थोड़ा अंदाज़ा लगा तुम किस चीज़ में जा सकते हो किस में नहीं जा सकते थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो ठीक है यस ड्रॉप शिपिंग इज़ नॉट डेड बिल्कुल भी नहीं ऐसा ड्रॉपिंग इज ड्रॉपिंग इनफैक्ट लोग ड्रॉप शिपिंग में ही अभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं उन लोगों को अभी थोड़ा सा बताऊंगा कुछ चीज़ों के ऊपर um, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हम लोग कि ड्रॉप शिपिंग फ्लरिश कर रही है यही टाइम है कि जब ड्रॉप शिपिंग उठेगी और बस मतलब दे आर एरियाज इन ड्रॉप शिपिंग जिसमें तुम कैश कर सकते हो मैं अभी मैंने तुम लोग को बताया था मैं अभी एक खातून के साथ काम कर रहा हूँ और एक बंदा है उन्होंने तकरीबन तुम लोग मुझे तो नहीं लगता कि आ रहे होंगे बिकॉज because... हाँ थोड़ा आप अपनी तरफ देख लो महर मेरे ख्याल से आपकी तरफ का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे बहरहाल तो पहले तो मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग जो है ना नो एक्जैक्टली मैं अभी आगे यही बात करने जा रहा था आगे की मेरी स्लाइड इसी चीज के ऊपर देखोगे तुम ड्रॉप शिपिंग जो उसका करने का तरीका डिफरेंट हुआ हुआ है <coughs> समझ रहे हो मेरी बात अभी का जो तरीका है वो डिफरेंट है वो तुम लोग कैसे हो रहा है अच्छा और जो लोग कुछ लोग हैं फिर भी रिलेक्टेंट फील कर रहे हैं तो दोनों टाइप के लोगों की बात करूंगा जो ड्रॉप शिपिंग अभी नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है या वो जो नहीं करना चाह रहे और वो जो कर रहे हैं अभी भी वो क्या कर रहे हैं तो मैं अभी बताऊँ मेरे पास दो क्लाइंट्स ऐसे हैं एक कोई है एक खातून है सही शीश नद और वो जो है ना अपना ड्रॉप शिपिंग स्टोर चलवा रही है मुझसे भी चलवा रही है शी to अपू टू अलेवन थाउजेंड इन जस्ट फोर डेज ठीक है और एक फिर एक बंदा है उसके तकरीबन एक हफ्ते के अंदर कोई तीन हज़ार डॉलर की सेल है मैं ये नहीं बोला कि तीन हज़ार डॉलर की सेल ज़्यादा है या कम है लेकिन मैं बता रहा हूँ कुछ लोगों के लिए काम कर उसका रीजन ये है कि वो लोग सही जगह हिट कर रहे हैं ठीक है कुछ चीज़ें लोगों को बता देता हूँ ठीक है और अगर बोलोगे तो मैं तुम लोग को कुछ प्रोडक्ट आइडियाज भी दे दूंगा ठीक है ओके okay. पहली बात तो ये कि कोविड नाइन्टीन में आ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अच्छा, मैं तो बता देता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज शिपिंग एक स्ट्रेटेजी ये है कि बहुत सारी जो अभी कुछ मैं, कुछ का मैंने जिक्र भी करा है वन प्रोडक्ट स्टोर स्पेसिफिक स्टोर जनरल स्टोर ये स्टोर वो स्टोर तो इन सारी स्ट्रेटी में फिर एक और स्ट्रेटेजी जो आती है ना वो ब्रांडिंग वाली आती है और वो वो वाली है जो इंस्पायर अपलिफ्ट लिफ्ट और कुछ और मैंने नाम जो डाले थे उनके वो जनरल स्टोर जब आप खोलते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं या तो यू गो रियली बिग ठीक है और आप ये बोलो कि मेरा पर डे एटलीस्ट थर्डर्स का मेरा जो है ना वो होगा एम एटलीस्ट लीस्ट थर्टी थर्टी प्लस हंड्रेड भी दो कोई इशू नहीं लेकिन एटलीस्ट थर्टी ऑर्डर्स का होगा उस पर फिर यह वो क्या करोगे तुम लोग सप्लायर हंटिंग करोगे और तुम लोग अपना एक रेलिवेंट सप्लायर पकड़ोगे उसको बोलोगे मैं तुम्हें तीस ऑर्डर पर डे दूंगा तुम्हें सात दिन के अंदर मेरा प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर तक पहुँचाना है ये पॉसिबल है करंट सिनेरियो में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोविड नाइनटीन की वजह से सप्लाइज भी थोड़ा सा बो रहे हैं डिलेज uh, आ रहे हैं में सब कुछ लेकिन ये एक अप्रोच है inspire, inspire इसी अप्रोच पे वो करता है um, तो ड्यूरिंग दिसम दो नहीं कर रहे ठीक है um, मैं अभी अभी फिलहाल बीबीसी की बात नहीं कर रहा मैं इनशाला बाद में करूँगा प्लीज अभी टॉपिक सही है अच्छा तो मैं यही कह रहा था कि जो लोग अभी जो है ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे वो ऑप्टोमाइजेशन कर रहे हैं जो कर ही नहीं रहे करने वालों के ऊपर अभी मैं आऊंगा लेकिन जो कर नहीं कर रहे जो उनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम फॉर द मार्केट टू रीओपन और फिर दे विल गो देसिव बिकॉज इट इज हाईली लाइकली लोग जब बाहर निकलना शुरू होंगे उनके बाइंग बिहेवियर जो होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा हर चीज तरफ ठीक है आप लोग ये भी देखेंगे इन जब भी ये वबा खत्म होती है या फिक्स होती है वो जब भी कुछ लोग बोल रहे हैं महीनों में कुछ लोग बोल रहे हैं डेढ़ साल में दैट इस टोटली डिफरेंट टॉपिक आई डोंट टू लाइक टॉक अबाउट दैट वो एक अलग बात है लेकिन um, जब भी ये होता है और जब भी चीजें फिक्स होती हैं तो उसके बाद वी विल सी बहुत बिहेवियर एवरीवेयर um, काफ़ी लोग जो हैं वो अपने सोशल चैनल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं कहने का मकसद क्या है कि वो लोग अपने सोशल चैनल्स पे जो हैं रेलेवेंट या पोटेंशियल ऑडियंस लेके आ रहे हैं एंड दैट इज़ बाय शेयरिंग मोर रेलेवेंट कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट एंड उसके अलावा कंटेंट uh, जिस निश्चित हैं वो लोग उससे रिलेटेड सही है मैं अभी जनरल या स्पेसिफिक स्टोर की बात नहीं कर रहा मैं बस ओवरऑल बात कर रहा हूँ लोग ऑर्गेनिकली अपने पेजेस को ग्रो करने की भी जा रहे हैं बिकॉज़ जब वो कोई प्रोडक्ट पोस्ट करें या कुछ हो तो उसकी कुछ अगर गिफ्ट डे किसी प्रोडक्ट की पोस्ट करने पे थाउजेंड रीच थी तो वो उस चीज को थोड़ा हाँ मुझे पता है वॉइस लैक है अभी अभी सही हो या? अभी ठीक है एक मिनट जरा मैं चेक कर लू हाँ तो एक तो ये है ठीक है तो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि, कि जितने ज़्यादा लोग ऑनबोर्ड उनके पेजेस पे आ चल सकते हैं आ जाएं एंड दैट आल्सो मींस मैंने इसमें एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं है लेकिन बता देता हूँ काफ़ी लोग जो है ना जैसे मैं तुम लोग को इंस्पायर अपलिफ्ट की इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ बिकॉज एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ा स्टोर है वो और भी ऐसे स्टोर हैं हाइगो की मैंने इस वजह से एग्जांपल दी और भी हैं और मैंने ऊपर दिए भी थी तुम लोग को एक लिस्ट दी थी उसमें और भी स्टोर हैं वो स्टोर एक काफी एवरग्रीन स्टोर हो गए हैं और अब वो लोग इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते कि आज एक स्टोर खोला अगले दिन दूसरा स्टोर करा अगले उसके अगले दिन तीसरा स्टोर खोला दे आर नॉट गोइंग फॉर जस्ट क्विक मनी दे आर गोइंग फॉर ब्रांड बिल्डिंग रहे ना मेरी बात वो लोग ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो जब ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आप जाते हो ना तो आप फिर बहुत अपने दिमाग में हो हम लोग उसके ऊपर भी एक सेशन कर लेंगे अलग से ठीक है क्योंकि लंबी तब तो काफी सारे लोग इस वजह से तो अपने सोशल चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो ओके ना होल्ड करो लेट मी चेक मैं कैसे से कर सकता हूँ इस हाँ एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन बिल्कुल ठीक है समी भाई मसला इंटरनेट का भी नहीं है मेरे पास तीन इंटरनेट है जी मैं वाईफाई एक्सटेंडर लगा रहा था एक मिनट रुकिएगा दो मिनट रुकिएगा ज़रा मेरे पास ये आ जाए तो फिर मैं स्विच कर लूँगा ज़रा इंटरनेट जी आपको आप लोगों आ मेरी है हेलो जी हेलो आप मेरी बात आ रही है hello?

जी आप लोग मेरी आवाज आ रही है हाँ जी अब कोई भी मसला नहीं होगा ठीक है अब सुकून से हम लोग अपना सेशन कर लेंगे इनशाला कोई भी मसला नहीं होगा ठीक है अच्छा तो मैं यहाँ पे आप लोग से बात करता था इस बारे में तो मैंने आप लोग को आखिरी एग्जांपल इसके ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जो है इंस्पायर लिफ्ट की ही दी थी, थी और आई कैन नॉट इम्फोसाइज इन ओवर दैट के, um, जो वे फॉरवर्ड है अगर आप लोग चाहते हैं कि यार यू नो व्हाट आई डोंट वांट टू गेट माय सेल्फ इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक कि मैं बार 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 जो है स्टोर्स um, खड़े करूं सही है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर्स खड़े करूं और सब कुछ तो मे बी यू कैन ऑप्ट इन फॉर दैट स्ट्रेटजी बट इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इट रिक्वायर्स टाइम और ब्रांड बिल्डिंग की तरफ तुम लोग को जाना पड़ेगा ठीक है बहुत ज्यादा फोकस तुम लोग को ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स uh, तो करनी ही होंगे ऐसी बात है लेकिन दैट इज अनदर बिग एरिया दैट यू हैव टू फोकस ऑन ठीक है so, साथ साथ में तुम लोग की चैट विंडो भी खोली रखो ठीक है ओके okay. फिक्सिंग प्रोडक्ट फोटोज काफी सारे लोगों के साथ मसला ये एक मेजर 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 इशू ये होता है कि उन लोगों ने प्रोडक्ट फोटोज सही नहीं लगाए हुए होते है। सही है और मैं तुम लोग को एक बार बताऊं मैं तुम लोग के साथ एक केस स्टडी बाद में जब फेसबुक एड्स की तरफ हम लोग आएंगे तो मैं केस स्टडी शेयर करूंगा तुम लोग के साथ उस केस स्टडी में ये था कि जब बंदे को ये पता चला है कि उसके प्रोडक्ट के अंदर जूस है और पोटेंशियल था उसने ग्रेजुअली एंड स्लोली अपने प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस था ना वो ओवर हिज वेबसाइट वो इम्प्रूव करता गया वो विद टाइम जैसे जैसे सेल्स आती गई और उसको पता चल गया कि नहीं यार मेरे प्रोडक्ट के अंदर बाकी बहुत पोटेंशियल है तो उसके लिए उसने फिर वो प्रोडक्ट मंगवाया भी अपने पास उसकी फोटोग्राफी भी करवाई बाकायदगी से हाई क्वालिटी सही है और फिर उसके बाद उसने अपनी एक एक थर्ड एक पार्टी एक कंपनी है जो स्क्रीन आई होप आप लोगों को नजर आ रही हो ठीक है एक थर्ड पार्टी कंपनी है फिर उनसे जो है कहकर जो है ना प्रोडक्ट वीडियो प्रॉपर बनवाई पेन पॉइंट्स दिखा के बेनिफिट्स दिखा के फीचर्स दिखा के सब कुछ एंड वो उस उस एजेंसी का उस कंपनी जो भी वो कंपनी काम करती है मैं तुम लोग को वो भी दूंगा डेफिनेटली आई थिंक तुम लोग पी um, कर रहे हो तो उसके लिए भी हो सकता है कहीं कही ना कहीं तुम लोग के लिए काम आ जाए ठीक है गेटिंग ई मेल जर्नी सॉर्टेड आउट ज्यादातर लोगों का नाइन्टी परसेंट का या नाइन्टी फाइव परसेंट आवाम का एक मेजर इशू ये होता है कि उनकी ई मेल जर्नीज जो होते हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुए हो होते हैं मतलब ऑटोमेटिक ईमेल जर्नीज आप ऑटोमेटेड ट्रिगर्स लगा सकते हो उसके ऊपर कि ऑटोमेटिकली जब कोई ऐड टू कार्ड करके जाए अपनी थोड़ी बहुत चेकआउट पे डिटेल्स दे दे तो उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जाता रहे कि आपने ये जो था पहला रिमाइंडर जाता है मैं तुम लोग को एक ई जर्नी बता रहा हूँ सिर्फ छोटी सी पहला रिमाइंडर गया कि मतलब मे बी यू फॉट टू मतलब चेकआउट अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप हमें बताओ उससे फिर भी चेकआउट नहीं करते तो फिर तीन दिन बाद ऑटोमेटिकली एक और ईमेल चली जाती है कि इन केस के अगर आपको ये ऑफर इतनी ज़्यादा इंटाइसिंग नहीं लगी तो मैं हम आपको जो है ना एक टेन डॉलर ऑफ कूपन दे रहे हैं यू कैन ऑप्टेन नाउ एंड कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ठीक है और इसी तरह फिर थर्ड पर फिर आप फीयर फैक्टर डालते हो आप बोलते हो कि यू गोइंग टू यूर मिसिंग आउट ऑन अज अपॉर्चुनिटी मिस आउट वाला फैक्टर आप उसको देते हो आखिरी थर्ड जर्नी पर और फिर आप उसको बोलते हो कि दिस इज़ आर लास्ट कॉल

Uh, probably which is also why business models explore this goes for every one of you uh, अभी पूरी दुनिया भी है। सारे बंद हुए हैं तभी बहुत सारे लोग दूसरे एरियाज में भी देख रहे हैं एक ये रीजन है लोग अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन ऑनलाइन एजुकेशन और सब कुछ इन सारी चीजों पे ठीक है उसके अलावा लोग अपने जो करंट बिजनेस चल रहे थे उसमें लूप होल्स देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ थे उनको जॉट डाउन करके उनको सॉल्व कर रहे हैं उन इश्यूज़ को ताकि वंस द मार्केट रीओपन दे कैन गो फुल्लैज ठीक है तो इट गोज फॉर एवरी बिजनेस एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रॉप शिपिंग इट गोज फॉर एवरी बिजनेस ठीक है ड्रॉप शिपिंग भी यही है और गो सेम गोज फॉर योर एमेजॉन बिजनेस पी एल होलसेल आप जो भी कर रहे हो साथ में ठीक है ओवरऑल सजेशन क्या है वो ये इन सिचुएशन लाइक दिज टेक टाइम टू लर्न एज मच एज कैन अबाउट ड्रॉपशिपिंग पेड एडवरटाइजिंग अराउंड स्टोर डिजाइन ब्रांडिंग बिकॉज दिस ऑल पैसेज यू विल बी इन ग्रेट पोजिशन टू हिट द ग्राउंड रनिंग ठीक है प्लीज रिमेंबर दिस सजेशन इन ऑल्सो मैंने ड्रॉपशिपिंग लिखा हुआ है बट गोज फॉर एवरी बिजनेस एक्चुअली पेड मार्केटिंग की भी मैं तुम लोगों को अगर बात कर, कर करू ना अगर तो पेड मार्केटिंग के लिए एक बहुत ह्यूज लर्निंग चाहिए लोग समझते फेसबुक के ऊपर ब्लू कलर का बटन आ रहा है अप्रोच आनी चाहिए तुम लोग को अपने डेटा को देखो अगर तुम लोग के टोटल पांच हजार बायस हो चुके हैं तो उनकी डेमोग्राफिक्स देखो उनका परसोनास देखो वो कौन लोग है जो तुम लोग के प्रोडक्ट को आके खरीदते हैं सबसे ज्यादा ठीक है तुम उनको ढूंढ सकते हो किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हो पेड एडवरटाइजिंग के लिए ये सारे मैट्रिक्स बहुत, बहुत, बहुत बहुत जब मैं फेसबुक की तरफ गूगल एड्स की तरफ आऊंगा to तो तुम लोग को समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ठीक है इज वर्किंग फॉर कोविड नाइनटीन इस को दिमाग में बांध लो ठीक है एट uh, दिस टाइम अभी फिलहाल ये निशिस बहुत अच्छे से काम कर रही ठीक है थीके? अब ये बताने वाली बात है भी और नहीं भी वजह बताता हूँ कुछ कर रहे होते हो ना काम और आप परेशान होते हो तो आप सोच नहीं पाते हो आउट ऑफ द बॉक्स के यार एग्जैक्टली exactly अभी क्या चीजें काम कर रही होंगी ये ये वो सारी चीजें हैं जो अभी लोग कर रहे हैं ऑफिस फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर क्यों मैं बताता हूं बिकॉज पीपल आर बिल्डिंग अप देर ओन वर्क स्टेशन बैक एट होम मैंने अभी खुद अपने लिए एक प्रॉपर ऑफिस सीट मंगवाई है कि मैं वैसे मेरे पास एक है लेकिन अब जस्ट मैंने एक और मंगवाई है कि यार अब अगर घर से ही लंबे तवील अर से काम करना है तो सुकून से घर पे बैठ के काम कर लू ठीक है uh, क्या हुआ खैरियत लैग हो रहा हूं Are you guys sure कि मैं lag हो रहा मुझे नहीं लगता मैं lag हो रहा अब मैं राउटर के बराबर में बैठा तो अब मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता router के अंदर ही बैठ सकता मैं। ओके okay. तो अब ये है स्पोर्ट्स क्लोदिंग एंड एक्सेसरीज की जब मैं बात करता हूँ तो ये मत समझिएगा कि लोग जॉगिंग करने के लिए बाहर जा रहे हैं इन

मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कितने लोग हैं कितने लोग हैं जो अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि यार नो you वॉट know मुझे नहीं पता कि अगले कितने महीनों तक दिनों तक या जितने भी अरसे मैं घर पर हूं मैं एक घंटा पूरे दिन में काफी लोगों के पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आ गया यहाँ पे काफी जॉब करने वाले लोग भी होंगे नौ घंटे बैठ के कोई भी काम नहीं कर रहा जैसे आप ऑफिस में करते थे हार्डली दो तीन घंटे कर रहे हो पूरा कुल मिला के बाकी टाइम जो है ना आप अपनी फैमिली के साथ ही गुजार रहे हो बैठ के सारी चीजें मोस्टली मोस्टली मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं हर किसी की बात नहीं कह रहा ठीक है तो वो टाइम जो है ना वो जो तुम लोग का टाइम जो गुजर रहा है फैमिली के साथ गुजारो लेकिन जैसे मैं तो खैर बहुत अरसे से, अभी से नहीं पिछले तकरीबन तीन साल से मैंने अपना वर्क स्टेशन घर पे बनाया हुआ है अभी से नहीं बहुत पहले से बनाया हुआ है तो मेरा अब वो ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो मैं वहां पे बैठ के कोई ना कोई अपनी लर्निंग बढ़ा रहा होता था या कुछ भी कर रहा होता था रिसर्च कर रहा होता था कुछ भी कर रहा होता सेम था जहाँ पे मैं आप लोग से बैठ के ये सेशन करता हूँ मेरा वर्क रूम है प्रॉपर ठीक है तो यही बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरफ अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करो तो ट्रस्ट मी आप यू गाइज विल गो अहेड मतलब काफी एक्सेल करोगे अभी जहाँ पे तुम लोग हो फिलहाल तो इस वजह से और प्लस क्योंकि ये टाइम बहुत है अपार्ट दैट अः uh, हर कोई ये भी सोच रहा है कि यार चलो अब हम लोग हमेशा पूरी जिंदगी यही बहना मारते थे कि हमारे पास टाइम नहीं होता हम काम ही इतना करते हैं वर्कआउट का टाइम नहीं होता तो लोग वर्कआउट इक्विपमेंट हल्की फुल्की मंगवा रहे हैं घर पे ताकि थोड़े बहुत एक घंटा निकाल के भी वर्कआउट कर सकें या एटलीस्ट सोच रहे हैं भले कर भी नहीं रहे तो तो लो लोग इस वजह से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे पैसा फिट रहने के लिए ठीक है गेमिंग एक्सेसरी मैंने टॉक अबाउट गेमिंग एक्सेसरीज तो यहाँ पे दो तीन चार बहुत बड़े एरियाज आ जाते हैं मैं आपको बताऊ मैंने आ, मैं दो तरह की गेम्स की बात करूंगा एक तो फैमिली गेम्स हो गए ठीक है हाँ एग्जैक्टली फ्री को काफी अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस तरह की खैर तो फैमिली फैमिली गेम्स गेम्स हो गए फैमिली गेम्स में बहुत सारे ऐसे गेम्स जो लोग बहन भाई मिलके आ, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होकर जो है ना कोई ना कोई गेम खेल सकते हैं मेनोपली वगैरह ये वो बहुत सारे दूसरे तरह के भी हो गए उसकी कुछ मैं और जरा अच्छी एग्जाम्पल तुम लोग को दे दूंगा जो तुम लोग ड्रॉपिंग ड्रॉप शिपिंग की तरफ देख सकते हो अः तो इस तरह की चीजें बहुत मिल चल रही हैं उसके अलावा मैं बता देता हूँ लोग मोबाइल गेमिंग बहुत कर रहे हैं कंप्यूटर गेमिंग दबा के कर रहे हैं ठीक है यहाँ तक आ, हमारे अपने मेरे हमारे ईसी में ही जो हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसमें ही कुछ लोग मिलके काउंट स्ट्राइक गो खेल रहे हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उसके लिए भी इक्विपमेंट्स हो गए ठीक है गेमिंग इक्विपमेंट्स अनगिनत होते हैं सही की है कीबोर्ड्स होते हैं माउस होते हैं है, अच्छे, हो है, है, हो अच्छे माउस हो गए हर कोई नौ दस हजार रुपए का माउस नहीं खरीदता लेकिन ऐसा है कि दो हजार डेढ़ हजार रुपए का भी बहुत जबरदस्त माउस अली एक्सप्रेस से चाइना मेड जो है ना आई जाता है ठीक है तो अम ये हो गई टॉयज हो गए टॉयज वेन आई टॉक अबाउट टॉयज एक मेरी आ, खुद की आ, बेटी है माई फर्स्ट बॉन्ड सही है और इकलौती है तो शी टर्न वन ईयर यस्टरडे कल उसकी बर्थडे थी अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसकी बर्थडे भी सही से नहीं बना पाए क्योंकि जबकि आप लोगों सबको पता होगा जो पहली औलाद होती है उसके लिए तो कुछ ज्यादा ही वो होता है कि बंदा आगे बढ़ बढ़ के हर चीज कर रहा होता है तो कुछ भी नहीं कर पाए एज सच क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते थे ना कुछ कर सकते थे तो बहरहाल तो लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है ना क्या करते हो आप अम्म बच्चे जो घर पे होते हैं ना क्योंकि अब सब अब ले सपोज मैं एक बात बोला हूं अगर तीन लोग रह रहे हैं घर पे जैसे मेरी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में मैं भी काम कर रहा हूँ अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ मेरी वाइफ भी काम कर रही है तो हम लोग स्विच करते रहते करते रहते हैं और अपनी बच्ची को देखते रहते हैं तो इवन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इसमें दो मेजर चीजें हैं एक तो ये के, कभी कभी आप दोनों बिजी हो सकते हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग उसको स्ट्रॉलर में बिठा देते हैं वॉकर सॉरी वॉकर में बिठा देते हैं या उसको कोई गेम्स वगैरह दे देते दे हैं खेलने के लिए मेजर मेजर एरिया ओवर हेयर ठीक है वो लोग जिनका जिनके बच्चे हैं जिनके छोटे हैं या इकलौती है खास तौर पे आई थिंक उनको ऑक्यूपाई रखने के लिए कोई ना कोई गेम्स वगैरह या टीवी पे कोको मेलन लगा देते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा टाइम वहां पे वो देख के गुजार भी लें इन ऑल दैट ठीक है कुकिंग एक्सेसरीज एंड किचन इक्विपमेंट की बात कर लें तो वही बात फिर मैं रिपीट करता हूँ हम में से कई लोगों ने अपने घर पे मेड्स जो आ रही थी उनको ये बोल दिया है कि मैं जो हूँ आप आ, uh, आपको आपकी सैलरी देता रहूंगा मेड्स को बोल दिया आपकी सैलरी आपको हर महीने मिलती रहेगी लेकिन आप घर पे मत आइएगा क्यों सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से ठीक है ताकि आप आपकी फैमिली सिक्योर रहे तो सब ने अपने घर पे जो है ना अपनी मेड्स को घर पे भेज दिया बोल दिया कि आपको आने की जरूरत नहीं है और जो आ भी रही है उनको बोल दिया कि आप जो है ना मतलब सैनिटाइज वगैरह करके आए हाथ को ये सारी चीजें तो इस टाइम पे जो आप घर पे मर्द और औरत और जो मिया बीवी हैं खास तौर पे वो दोनों अब घर के काम कर रहे हैं ठीक है तो अब इस टाइम पे आपको ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जिसकी वजह से वो काम आपके लिए थोड़ी आसानी बने वही सारे काम आप आसानी से कर सको तो इस वजह से किचन इक्विपमेंट या क्लीनिंग बल्कि इसमें एक और एरिया जो आता है वो ये क्लीनिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक मेजर आपका फोकस बना हुआ है राइट तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मेजर एरिया जो चल रहा है तो ये मेरे हिसाब से ये सारे एरियाज हैं जो कि बहुत ज्यादा चल रहे हैं मैं इसमें एक बस ऐड कर देता हूँ ताकि कल को आप लोग देखें तो जी ठीक है एक मिनट रुकिएगा मैं अभी आप लोग को एक ब्लैंक शीट दे रहा हूँ बस आप लोग अपने क्वेश्चन उसमें डंप करते जाए आगे अपना नाम लिख दीजिएगा ठीक है बल्कि मैं आप लोग को वही वाली शीट दे देता हूँ क्या वही कंफ्यूजन होगी はあ。<sighs> G. ये शीट ले लें आप लोग एक मिनट रुकी उप्स सॉरी शीट ले लें सवाल आप लोग अपने लिखना स्टार्ट कर दें यहाँ पे ठीक है ओके okay. तो ये बात कर ली हमने मैं अब मूव करता हूं मैंने तुम लोग को एक आइडिया दे दिया है ताकि तुम लोग अकॉर्डिंगली मैं देखो तुम लोग प्रोडक्ट मैं तो मैं एक बार बता दू मैं तुम लोग को एक बात फैक्ट बता रहा हूं um, हम मैंने ये इन की बात करी है एंड आई एम श्योर कि अभी यही सही है इसमें कुछ आप और ऐड कर सकते हो आई नो काफी सारे लोग बोलेंगे मास्क हैं, ये इस तरह के सैनिटाइजर से रिलेटेड चीजें और हो सकती हैं हो सकती हैं बिल्कुल हो सकती हैं हाइजीन हाइजीन और ये वो सारी चीजें और भी हो सकती हैं। लेकिन बात ये कि मास्क आप बहुत सारे लोगों ने सर मैं मास्क बेचूंगा भाई मास्क इतने लोग बेच रहे होंगे अभी सोच है किसी की कि मना नहीं कर रहा नहीं बेचो बिल्कुल बेचो टाइम है बेचने का आई नो एन इन्फ्लुएंसर जिसने अभी बेचे भी हैं अलग अलग जगहों पे जाके लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही एरिया में घुसे और मैं ये भी बता दू मेकअप का सामान अभी भी बिक रहा है मैं हैरान इस बात पता कुछ मतलब मैं ये नहीं बोला बहुत एग्रेसिवली बहुत त्रेजी तरह से बिक है लेकिन मैं जानता हूँ ये बात कि मेकअप का सामान जो है ना वो अभी भी काफी लोग काफी लड़कियां खरीद रही हैं मतलब बत, शायद कहीं जा रहे हो वो लोग लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि मतलब काफी बिक रहा है ठीक है खैर तो खैर ये हो गया शॉपिफाई यूआई टू कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कुछ चीजों के बारे में मैं बताता चलता हूँ जिसमें ऑटोमेशन के बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूंगा भाई ये आपका शपफाई का मेन डैशबोर्ड है ठीक है यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स गिरते हैं ठीक है और आप उनको फुलफिल तब करते हो जब आप एंड पे चीजें ओबेल्डू से कर लेते हो फुलफिल फॉर दो पीपल हु नो व्हाट ओबेल्डू इज मैं अभी बताता चलूंगा थोड़ी देर में अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ यहां पर आप प्रोडक्ट्स जो को जो है आप एड करते हो लेकिन ऐड करने का तरीके में आप लोग ये सोचोगे कि यार मैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा और मुझे पता है यहाँ पे माशाल्लाह काफी लोग जानते होंगे ड्रॉप शिपिंग कैसी हो रही है ऑफ टू देम लेकिन मैं उन लोगों से बात करूँ जिनको नहीं पता तो प्लीज उनको अभी बीच बीच में से कह कह के एंथुजिया होके ज्यादा अभी भी फॉरन आगे बताने की जरूरत नहीं है लेट मी टेक इट स्टेप बाई स्टेप ताकि वो एक बात को सही से समझ लें ठीक है यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका ठीक है ओबेलो यहां से प्रोडक्ट ऐड हो सकते हैं लेकिन अगर आप अपना प्रोडक्ट चला रहे हो ड्रॉप शिपिंग में नहीं हो तो आप यहां से ऐड कर सकते हो लेकिन यहां से ऐड करने का मकसद ये है कि आपका स्टोर ऑटोमेटेड नहीं होगा ठीक है आपको हर चीज क्वांटिटी अवेलेबल हर चीज खुद से डालनी होगी हर चीज खुद से अपडेट करनी होगी मैं जो तरीका बताऊंगा वो ऑटोमेटेड तरीका होगा हर चीज अपने आप हो रही होगी मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ आपका एटलीस्ट फोर्टी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट आपका सब कुछ ऑटोमेटेड होगा ठीक है बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल बेकार हैं फॉर ड्रॉप शिपिंग आपके काम के नहीं है या बहुत बहुत एक लिमिट तक काम आते हैं जैसे मैनेज योर आइडेंटिटी ट्रांसफर ये वाला आपका टैब काम नहीं आएगा यू विल ओनली बी यूजिंग ऑल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स की सेक्शन uh, के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होगे ठीक है आप जो है गिफ्ट कार्ड्स भी नहीं यूज कर रहे होगे क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड जो होते हैं ना अवेलेबल वो आपके शॉपिफाई के प्रीमियम वाले वर्जन में होते हैं कलेक्शन यूज कर रहे होगे ऑल प्रोडक्ट्स और कलेक्शन तुम लोग जा रहे होगे ठीक है ये तुम लोग बना रहे हो कलेक्शन खुद बनानी पड़ेगी तुम लोग को ठीक है Uh, मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ कलेक्शन क्या है कलेक्शन इज लाइक जब मैं अपनी साइट को साइलोज में तोड़ता हूँ ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ कि मेरी शॉप पे एक एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या गैजेट्स ठीक है या एक सेक्शन है जो नेविगेशन जो नेविगेशन है मेरी शॉप की उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है बेस्ट सेलर्स अब बेस्ट सेलर्स पे आप क्लिक करते हो तो सारे बेस्ट सेलर्स वहां पे आ जाते हैं एक्जैक्टली exactly. ठीक है तो ये आप बेसिकली कैटेगरी बनाते हो ठीक है और आप डिफाइन करते हो कि इस कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी का टैग यह होगा अब वो तुम लोग ने सपोज उसका एक टैग रख लिया ठीक है मैं तुम लोग को बना के दिखाता हूं ठीक है तुमने बोलिया गैजेट्स तुम लोग नीचे गए और तुम लोग बता, बता दिया कि प्रोडक्ट टैग जब भी मेरा हो गैजेट्स सही है ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में डाल देना अब जब तुम ये ये कैटेगरी रिफ्लेक्ट करोगे अपने नेविगेशन में तो ऑटोमेटिकली जिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर गैजेट्स का टैग लगा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आना शुरू हो जाएंगे मैं तुमको बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में बता रहा हूं मैं तुम लोग क्लटर ये सारी चीजें आस पास की चीजें छोड़ दो मैं तुम लोग को बी एस नहीं बता रहा मैं तुम लोग को डायरेक्टली पॉइंट की बात बता रहा हूँ वो चीज जो तुम लोग को आसान अल्फाज में समझ आए कलेक्शन में गए क्रिएट न्यू कलेक्शन करा टाइटल दिया डिस्क्रिप्शन दे रही तो दो आइडियली बहुत अच्छी बात है कि डिस्क्रिप्शन दोगे वो उसके मैं उन रीजन पे बाद में पहुंचूंगा एस यू रिलेटेड सब चीजें एस यू रिलेटेड होती है वो सारी चीजें ठीक है um, कलेक्शन टाइप पे जाओ प्रोडक्ट टैग लगाओ इज इक्वल टू गैजेट्स खत्म मैं तुम लोग को इस चीज में नहीं लेके पा रहा एनी कंडीशन लगाओ ये लगाओ वो कर लगाओ जो लोग बहुत अरसे से कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग उनके तरीके अलग होते हैं मैं अभी तुम लोग को ले मैन जबान में बता रहा हूं सबसे आसान तरीका ये है तुम्हारी अगर सपोज मैं बोलता हूँ तुम लोग नेक्स्ट स्पेसिफिक स्टोर खोल रहे हो ठीक है और तुम्हारे ऊपर नेविगेशन बार में तुम लोग के आता है है मिनट रुको यार अब जैसे ये होम है और मैंने सेल डाला है ये मेरी चॉइस थी मैंने ऐसे डाला ठीक है तुम लोग के लिए जरूरी नहीं है तुम लोग डालो तुम लोग सेल के बराबर और अस और सेल के बीच में एक और सेक्शन डाल सकते थे जिसका नाम होता गैजेट्स ठीक है अभी बल्कि इस वक्त मैं तुम लोग को करके दिखा देता हूं ताकि तुम लोग को क्लैरिटी भी मिल जाए कि कैसे कर रहा हूं मैं ये मैंने गैजेट्स डाला और मैंने इसको कर दिया सेव ठीक है ओके फिर उसके बाद मैंने तुम लोग को बता दिया चाहो कहीं पे लिख लो प्रोडक्ट्स में जो चीज तुम लोग की हो हो कलेक्शन होगा अब मैं अगर, अगर अपनी वेबसाइट को अभी देखता हूं और तुम लोग के सामने खोल रहा हूं मैंने बोला ऊपर नेविगेशन में गैजेट्स आएगा तो गैजेट्स दिखाओगे मतलब गैजेट्स दिखाओगे तो फिर वो आएगा लेकिन यहाँ पे तो गैजेट्स कहीं पे भी नहीं आया तो हम लोग को यहाँ पे अपने टास्क को पहले तोड़ना है दो में पहले हमें कैटेगरी बनानी है ठीक है कैटेगरी बना के रख लो फिर तुमने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपने स्टोर पे ऐड करने अच्छा फिर मैं बता रहा हूं एक बात मुझे पता है मैं एक बार 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 इसलिए रिपीट कर रहा हूं बिकॉज काफी लोग बीच में आके फिर अपने कॉमेंट्स शुरू कर देते हैं मुझे पता है माशाला यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं लेकिन मैं तुम लोग को यह समझाना चाह रहा हूँ कि तुम लोग इन लोगों को जो मैं समझा रहा हूँ वो उस लेवल पे आके समझा रहा हूँ इन लोगों के लेवल पे आके ताकि इनिशियल स्टेप्स ये लोग समझें ठीक है अब तुम लोग ने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं ठीक है थीके? अब होल्ड दैट थॉट राइट देयर बाकी सारी एरियाज में मैं जाऊंगा लेकिन अभी होम के बाद प्रोडक्ट्स पे आके मैं रुक गया हूं तुम समझो तुम लोग की साइट खाली है और अभी ऊपर इमेजिन कर लो कि मेरे पास होम सेल अबाउट अस ट्रैक ऑर्डर में कुछ ये पूरी साइट खाली है कुछ नहीं आ रहा मैं अब यहाँ पे बस सेल और अबाउट अस के बीच में गैजेट्स का एक वो लेके आऊंगा ठीक है मतलब डिस्प्ले हो रहा होगा गैजेट्स अभी फिलहाल प्रोडक्ट्स मैंने इंपोर्ट करा मैं सिर्फ अभी डिस्प्ले करूंगा ओके okay. सो so, अब डिस्प्ले करने के लिए मुझे कहां जाना होगा डिस्प्ले करने के लिए मुझे डायरेक्टली प्रोडक्ट्स के बाद ऑनलाइन स्टोर पे जाना होगा जब ऑनलाइन स्टोर आया तो ऑनलाइन स्टोर पे के जो ड्रॉप डाउन है उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं थीम्स ब्लॉग पोस्ट पेजेस नेविगेशन एंड प्रेफरेंसेस सारी चीजें अभी भूल जाओ फिलहाल मैं सारी काम की चीजें इन सब पे तुम लोग को काम करना होगा लेकिन फिलहाल मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि तुम लोग का भी कहां करना है? तुम लोग को काम करना है नेविगेशन में यह आ गई हमारी या आपकी शॉप की नेविगेशन ठीक है हम आपकी शॉप की नेविगेशन आ गई अब आप ये देख रहे हो मेन मेन्यू ठीक है दिस इज़ द मेन मेन्यू होम सेल अबाउट ट्रैक ऑर्डर क्या लिखा हुआ यहां पे होम सेल अबाउट ट्रैक ऑर्डर यहां पे मुझे अब गैजेट्स दिखाना है उसके लिए मैं करूंगा एड मेन्यू लिखूंगा गैजेट्स ठीक है और लिंक करूंगा मैं उस कैटेगरी को याद रखना मैं लिंक करूंगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे ठीक है कलेक्शन कलेक्शन दिया और अब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा मैंने बोला कि मुझे अबाउट सर अबाउट अस और सेल के बीच में लाना है इसको मैंने ऊपर नीचे करा गैजेट्स और सेल गैजेट्स को ले आया मैं सेल और अबाउट अस के बीच में सेव करा सेव करने के बाद मैंने वेबसाइट वाप, वेबस वापस खोली एंड आपने देख लिया कि सेल और अबाउट अस के बीच में गैजेट एक नया आ गया एज इजी ऑफ दैट ठीक है मैं तुम लोग को बी एस हटा दिए सारी बीच में मैंने सिंपल से सिंपल तरीके में बता दिया किस तरह आप अपनी वेबसाइट को पूरे नेविगेशन को कंट्रोल करोगे ठीक है करने के तरीके बहुत है बहुत तरीके हैं ठीक है लोगों का बकायदा टैक्स भी अलग रखने होते हैं तो कैटेगरीज भी अलग रखनी होती है बहुत कुछ होता है मैंने बस तुम लोग आसान अल्फाज में बता दिया ताकि तुम लोग अपनी साइट जल्द से जल्द खड़ी कर सको जब तुम लोग बैठो तुम लोग को पता हो कि अच्छा अभी मुझे यहां जाना है फिर मुझे यहां जाना है ठीक है चलो ये चीज तो हो गई अब मैं गैजेट्स में जाता हूं अब गैजेट्स में जब गया तो मैं देखा कि प्रोडक्ट्स मेरे पास नाइनटीन आ रहे हैं ठीक है क्यों मैं बता देता हूं क्योंकि किसी टाइम में मैंने इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैग दिया हुआ था अब 180p, 1080p HD वायरलेस यार अच्छा टोटल प्रोडक्ट्स देख लो कितने हैं? 19 है अभी बीसवा मैं तुम लोग के सामने ऐड करूंगा ठीक है 1080p HD वायरलेस मैं जाके इसको प्रोडक्ट्स वापस जाऊंगा प्रोडक्ट्स में मैं इसको एक बार सर्च करूंगा ओ ये रहा ये देख रहे हैं आप लोग राइट हैंड साइड पे चेक कर लें ये असल में मुझसे लेती है मैंने कलेक्शंस दो बार बना दिए गैजेट्स पहले एक बार हुआ हुआ था आई थिंक फिर से हो गया लेकिन बहरहाल मैटर तुम लोग को पॉइंट तो समझ आ गया ना कि तुम लोग ने अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि यार मैंने प्रोडक्ट कैसे ऐड करा इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी ये एक तो स्किप हो गया पूरा प्रोसेस स्किप नहीं हुआ 19 प्रोडक्ट्स है ना 20 प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे अब तुम लोग ने इससे पहले प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे तुम लोग ने पहले अपनी वेबसाइट के मैंने तुम लोग को जब लेके चल रहा था तो मैंने बताया कि तुम लोग अपना नेविगेशन कैसे एडिट करोगे कौन सी चीजें लानी है कौन सी डिलीट करनी है दैट इज इन दस्ट वो तुम लोग को बता दिया मैंने फिर मैंने तुम लोग को यह बताया कि किस तरह नेविगेशन सही है तुमने कलेक्शन बता दी उसके बाद नेविगेशन में कैसे लाएं वो मैं तुम लोग को ऑनलाइन स्टोर में जाके बता दिया नेविगेशन में जाओगे तो ले आओगे ऐड करके अब नेक्स्ट स्टेप है एज्यूम करो यहाँ पे अभी हमारे पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है या चलो नाइनटीन प्रोडक्ट्स हम ट्वेंटी प्रोडक्ट ऐड करेंगे ठीक है वैसे मैं ये चाह रहा था कि एक भी प्रोडक्ट ऐड नहीं होती चलो यार मैं जरा एक मिनट दो मैं ज़रा मैं तुम लोग को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूँ ना तो इस वजह से जरा चीज़ें चेंज कर रहा हूँ मैं प्लीज़ गिव मी मोमेंट टेस्टिंग वन टू थ्री बल्कि नहीं इसको आसान कर देता हूँ मैं वन टू थ्री वन प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू वन टू थ्री उसको इसके अंदर ऐड कर देना दरअसल मैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक भी प्रोडक्ट ऐड डाउ ताकि तुम लोग को शुरू से लेके चलू मैं नाम इसका कुछ भी रख दो तुम लोग ठीक है मैं बोल सपोज बेस्ट सेलर्स मैंने लेकिन बेस्ट सेलर्स नाम रख के मैंने बोला क्या है? कि वन टू थ्री वाली कैटेगरी को मेरे पास ले आओ तो मैं देखूंगा कहां पर है टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है लेकिन टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री का टैग क्या है जो इस टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री की कैटेगरी में फॉल करेगा वो है वन टू थ्री आई होप इट्स क्लियर इसमें कोई क्वेश्चन टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री मैंने कैटेगरी बनाई कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन को जो मैंने टैग दिया है कि जो भी प्रोडक्ट के के टैग में वन टू थ्री लिखा हुआ होगा उसको टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री में डालना और ये टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री बेस्ट सेलर्स के मेन मेन्यू नेविगेशन जो है वहां पे रिफ्लेक्ट होगा एक बार मैं तुम तो लोग की चैट खोल के देख लू ठीक है और अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं ये कंफ्यूजन हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो चलो तुम लोग इसका नाम टेस्टिंग टू थ्री रख लो चाहो तो सेम नाम रख लो जो कैटेगरी का नाम है इससे मैटर नहीं करता इससे कुछ मैटर नहीं करता मैटर ये करता है कि तुम लिंक क्या करवा रहे हो कौन सी कलेक्शन लिंक करवा रहे हो मैं कैट्स की नेविगेशन रखूं और डॉग्स की कैटेगरी को लिंक करवा दूं ये भी मेरी मर्जी है ठीक है तो मैं बोल रहा हूं कि कैटेगरी जो मुझे दिखानी है नेविगेशन पे जो नाम आएगा टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री के नाम से ठीक है उसके अंडर टेस्टिंग वन टू थ्री वन टू थ्री की कैटेगरी आ रही हो मैं इसको कर देता हूं ऐड अच्छा ये आ गया यहां पे बीच में अब मैं इसको खोलता हूं सॉरी आई थिंक मैंने सेव नहीं करा। सही हो गया टेस्टिंग अब टेस्टिंग के अंदर क्या आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा सब कुछ खाली है अब हम ये ऐड करेंगे ठीक है अब हम जाते हैं हम प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड करेंगे हम प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड नहीं करेंगे हमें ऐसे नहीं करना हमें ऑटोमेटेड और सिंपल तरीका रखना है ठीक है तुम लोग ने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करी तुम लोग ने सप्लायर्स निकाल लिए, या तुम लोग ने कीवर्ड निकाल लिया अब सबसे पहली चीज जो तुम लोग ने ऐड करनी है ना वो है ओबेलो एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन ये मैंने चैट पे लिंक दे दिया क्रोम एक्सटेंशन तुम लोगों ने डालनी है और इंस्टॉल कर लेनी है मेरे पास ये अली एक्सप्रेस डॉट कॉम प्रोडक्ट इम्पोर्टर ठीक है ओके अब इसको बंद कर देते हैं तो अब हम लोग क्या प्रोडक्ट में जाके करेंगे नहीं अब हम खोलेंगे फॉर एग्जाम्पल अली एक्सप्रेस अब मैं क्योंकि मैं अभी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहा बहुत बात कर चुका हूं मैं अब सिर्फ तुम लोगों को तरीका बताऊंगा इंपोर्ट करने का दो तरीके बहुत आसान से बहुत आसान से दो तरीके वो दोनों बता देता हूँ पहली चीज जो तुम लोग ने करनी है तुम लोग को जाना है एप्स में और एप्स में जाने के बाद बाय डिफॉल्ट जब पहली बार तुम लोग एप्स में जाओगे तो ओबेलू का आइकन आ रहा होगा कहीं ऊपर मैंने तो डाले हुए ना इनको भूल जाओ पहले से एक आइकन आ रहा होगा और उस आइकन पे लगा हुआ होगा ओबेल्लू एक बहुत मशहूर ऐप है इसको आप लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर आपने बोलना है यस इंस्टॉल या अगर आपको नहीं मिलता तो आपने विजिट द शॉपिफाई स्टोर जाना है और आपने इसके ऐप स्टोर पे जाके ओबेल्लू का नाम लिखना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है बस नो क्वेश्चन सास बहुत सिंपल तरीका है कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ईजी है कुछ भी नहीं जब आप एक बार ओबेल्लू इंस्टॉल कर लोगे तो आपने फिर इसके स्टोर इसको खोलना है ऐप के ऊपर क्लिक करना है जैसे ऐप की लिस्ट आ रही है इस तरह आपके पास ओबेल्लू आना शुरू हो जाएगा उबेल्लू के ऊपर क्लिक करोगे तो अब याद रखना हो सकता है ओबेल्लू तुम्हें तो साइन इन करने के लिए बोले एक बात याद रखना अगर तुम लोग ओबेलो अगर शॉपिफाई लॉग इन नहीं है तुम्हारा दो सेकंड के लिए समझ लो कि तुम लोग आई मीन सॉरी तुम लोग इधर आए हुए हो और तुम लोग ने इस तरह उपर, उबेलू पे क्लिक नहीं करा फॉर द फर्स्ट टाइम और तुम लोग डायरेक्टली यहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने जाओगे ना

सही है टू गेट थिंग्स पोस्ट टू तो वो गेट रेडी पे आप आ जाओगे ठीक है तो आपने जब इसके ऊपर क्लिक करा तो सही है अभी तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऐप पे जाके यहाँ पे कर दिया हो सकता है आपके पास ऐसा हो कि अगर आपने यहाँ पे ऐप पे ओबेल्डू पे नहीं दबाया होगा ना तो यहाँ पे ओबेल्डू आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा आप शायद वो भूल जाओ या नहीं भूले या जो भी घबराना मत नहीं है यहां से क्लिक करके जाओगे एक बार जब भी शॉपिफाई से अगर तुम ओबेल्डू पे जाओगे ना ओबेल्लू को हमेशा तुम्हारा आईडी पासवर्ड याद होगा वो डायरेक्ट तुम्हें लॉग इन करेगा डैशबोर्ड पे और अब तुम लोग जो है ना इंपोर्ट करना शुरू कर दो अब जैसे कि ये रैक है मैंने एक बार क्लिक करा इसके ऊपर ये देख रहे हो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ये ब्लू से थोड़ा ग्रेस सा हो गया अब मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा जो क्लटर है इसके ऊपर फोकस करने की अभी जरूरत नहीं है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैं हमेशा बोलता हूं कि सिंपल बनाने के लिए अभी तुम लोग टू द पॉइंट बताऊंगा मैंने ब्लू आइटन आइकन के ऊपर दबाया था वो वापस वापस से से ग्रे से वापस ब्लू हो गया सही है अभी मैं फिर इसके ऊपर क्लिक क्लिक करूंगा तो क्या बोल रहे हैं अब मुझे ये देखना है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ कहां पर है तो अब मैं आऊंगा कहा इम्पोर्ट लिस्ट में इम्पोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगा जैसे ही इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगा मेरा प्रोडक्ट मेरे सामने आ जाएगा बस अब यहां से मैंने अपने स्टोर के ऊपर फेंकना है इस प्रोडक्ट को रेडी फॉर्म में ठीक है कि ये बिल्कुल तैयार शुदा हो हर चीज अपनी जगह पर हो और मैं इसको फेंक दू अपने स्टोर के ऊपर तो पहली बात तो ये ये नाम जो है ना ये जो अली एक्सप्रेस और अमेजोन वाले जिस तरह रखते हैं अपना नाम इसको तुम लोग ने प्रॉपर नाम देना है ये नहीं देना आ, मैजिक मल्टी स्पोर्ट सपोर्ट सर्कल क्लोथ्स हैंगर क्लोथ्स रैंक रैक मल्टी फंक्शन ये इनके अपने CEO के रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये लोग इस तरह के नाम रखते हैं कि बंदे की जो भी सर्च टर्म, टर्म हो मैं धर से सामने आ जाऊं तुम लोग को ऐसा नहीं करना तुम लोग को प्रॉपर नाम देना है ठीक है ओके वेट आई कैन थिंक ऑफ मल्टी फंक्शन क्लोथ्स हैंगर फॉर एग्जाम्पल सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह का कुछ नाम रख लिया अब ये नाम मैंने रखा कलेक्शन में डालने नहीं क्यों क्यों कलेक्शन में नहीं डालना क्योंकि मैंने कलेक्शन में क्वेरी डाली हुई है कि भाई कलेक्शन मैं डालू या ना डालू मैं डाल सकता हूं टेस्टिंग वन टू थ्री डाल के मैं यहां पे डाल सकता हूं लेकिन मैंने तुम लोग को हेसिल से बचा दिया क्योंकि काफी लोग इस चीज इस इसमेवले में पड़ जाते हैं तुम लोग सिंपली क्या करो टैग डालो टेस्टिंग सॉरी टैग यह नहीं था टैग टेस्ट टेस्टिंग 1, 2, 3, नहीं था वन टू थ्री था एक्सक्यूज <coughs> मी ये डाला बस खत्म अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाओ डिस्क्रिप्शन तुम लोग ने ऐसी ऑप्टिमाइज रखनी है डिस्क्रिप्शन का तरीका मैं तुम लोग को बता दूंगा सच बात बता रहा हूं मेजोरिटी 99.9 परसेंट मैं दूसरों की डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूं उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके डाल देता हूँ तुम लोग को भी यही करने की जरूरत है फिलहाल कर सकते हो मतलब मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा कि ये करो या ये करो दैट इज अप टू यू इसके ऊपर कोई तुम लोग को पीनालाइज नहीं करेगा ठीक है बस पिक्चर्स जो डालो थोड़ा देवान से डालो जब भी डालो ठीक है उसके बाद वेरियंट्स हैं यहाँ पे जब तुम लोग आओगे तो तुम लोग को अपने हर वेरिएंट की एक कॉस्ट

मैं एक, एक बात कह रहा हूं मैं सपोज मैंने इसको टेन डॉलर रख लिया इस इसके इसकी साइंस के ऊपर बाद में आएंगे हम क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए आ, ओके नहीं नहीं मतलब लोगोज होते हैं ना दूसरों के मतलब पिक्चर्स के असली ऊपर मैंने बोला कि थोड़ा ख्याल रखो कि कुछ लोग अपनी पिक्चर्स डालते हैं देखो अली एक्सप्रेस का वो है सप्लायर और जब तुम अंदर प्रोडक्ट में जाते हो तो उसने अपना जो ना इतना बड़ा भद्दा सा लोगो लगाया हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर सही है तो वो अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता है ठीक है अब यहाँ पे तो नहीं आया हुआ खैर लेकिन ऐसा तुम लोग बहुत बहुत प्रोडक्ट्स देखे होंगे जहां पे तुम लोग ये देखते हो कि यार इतना बड़ा सा सप्लायर का लोगो आ रहा है सही है तो उसको वो मत करो ठीक है हाँ एग्जैक्टली exactly. शकील ऑटोज ना लिखा हुआ वहां पे सही है उसको अब अगर सपोज शकील ऑटो लिखा हुआ है या ये ग्रे ग्रीन लिखा हुआ तो uh, है और सपोज ये ठीक है अभी फिलहाल ये पिक्चर्स हैं क्या तुम लोगों को हाई क्वालिटी ऐसी नजर आ रही है जो हम ऐड कर सकते हैं ठीक है ये पिक्चर्स जो पहले सेलेक्ट करी हुई रेलिवेंट है मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं करूंगा आप मल्टी फंक्शन के लिए ये भी दिखा सकते हो क्या मतलब क्योंकि आपने मल्टी फंक्शन वाली बात करी है एक सेकेंड मेरा शायद चार्जर चार्जर की वो आ, पावर काफी लो रह गई है तो मैं जरा चार्जर ले जरा, प्लीज वेट कीजिएगा जी तो चार्ज हो भी रहे, नहीं हो हो रहा रहा अच्छा तो मैंने आप लोग को यह बता दिया कि मल्टीफंक्शन के, के लिहाज से आप ये वाली भी इमेज दिखा सकते हो चाहो तो मतलब दैट इज अप टू यू आपने ये एक इमेज दिखाई हुई है आपने इसका एक और कोई एंगल दिखा दो चाहो तो दैट फिर अगेन देन अगेन के मतलब आप दिखा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितनी डिफरेंट तरह से यूज हो सकता है राइट right? अभी सिर्फ सिर्फ ये दो तरीके नजर आ रहे हैं और मतलब मैं चाहूंगा कि यार एक कोई और तरीका पता चल जाए या कुछ और बेनिफिट्स पता चल जाए प्रॉब्ल समथिंग लाइक दिस कि मैं ये दिखा सकूं कि यार मतलब मूवेबल हुक कन्वीनियंट सस्पेंशन ठीक है ये पता चल रहा है कि 360 डिग्रीज ये जा सकता है गोल घूम सकता है ठीक है अपटू टेन के जी ये बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अभी मैं ये चीज़ें ना यहां नहीं डालूंगा ठीक है मैं इनको डिसलेक्ट कर दूंगा और इन इमेजेस को मैं अलग से सेव करके अपने पास बाद में प्रॉबली इसको अलग से एडिट करके अपनी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा क्यों क्योंकि ये तीन जो है ना ये इसके फीचर्स हैं सही है जो मैं इसको uh, हाइगो शॉप की बात कर लेता हूं अब बहुत सारी शॉप्स ऐसे करी हैं फीचर्स को ना या इस तरह की चीजों को वो अपने स्टोर के किसी हिस्से में डाल देते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन के हिस्से में ये देख रहे हैं आप अब यहां पे जो है ना कुछ आप दो तीन इमेजेस और भी ऐड कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है खैर ये तो इनकी जरा नया प्रोडक्ट है अब इन्होंने इतना ऑप्टिमाइज नहीं करा लेकिन हाइगो शॉप बहुत ज्यादा ऐसा करता है खुद मुझे पता है ये बात ठीक है और अगर आप लोग ने एक और चीज गौर करी हो मैंने अभी अभी गौर करा शॉप ने अपना पूरा आई थिंक काफी लुक एंड फील बदल दिया है पहले इनकी सारी ये जो है ना शॉप की ये सारी इधर आ रही होती थी इन्होंने अब ये बदल दिया है बहरहाल ठीक है तो ये हो गया अः आम... या yeah. अच्छा मैंने अभी फिलहाल ये इमेजेस चूज करी हुई है और इन इमेजेस को चूज करने के बाद मैंने इसको इंपोर्ट टू स्टोर के ऊपर क्लिक करना है ठीक है इंपोर्ट टू स्टोर करा मैंने स्टोर पे इंपोर्ट करने के बाद मल्टी फंक्शन था ना मैंने अब चेक करना है कि ये मेरे टेस्टिंग वन टू थ्री में आया कि नहीं आया तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार और आप ये देख सकते हैं कि ये आ गया ठीक है डायरेक्टली आपने बस कुछ चीजें एडिट करी आपके स्टोर पे ये रेडी हो गया टू सेल रेडी टू सेल है ये अभी ठीक है क्लिक करा इसके ऊपर तो जो जितनी डिस्क्रिप्शन आपने डाली हुई थी मैंने तो बहुत छोड़ी सी डाली थी सही है वो आपके स्टोर पे आ गएगी ये ठीक है यही डली हुई थी और कुछ नहीं डाला पता फिलहाल और जो जिस तरह में चार पिक्चर्स आए वो सारी पिक्चर्स आ गई ठीक है सो या दैट्स दैट ये आ, ये आपका हो गया पूरा प्रोडक्ट आपने अपनी मैंने जो चीजें बताई हैं नेविगेशन पे कैसे आपने अपने प्रोडक्ट को अपने को अपनी पसंदीदा जो भी आपकी कैटेगरीज है उनको रिफ्लेक्ट करना है और में किस तरह आपने जो है ना अपनी कैटेगरी ऐड करनी है या कलेक्शन ऐड करनी है और उस कलेक्शन में किस तरह आपने प्रोडक्ट्स ऐड करने आ, डालने ठीक है प्राइसिंग तो वो रख दी है ना वही प्राइसिंग है दस डॉलर आप लोगों के सामने तो रखी थी प्राइसिंग ये सोशल प्रूफ होता है गाइस ये दिखा ऐसा फील कराता है कस्टमर्स को जैसे कि अभी इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है और देखो ये चेंज हो रहा है अपने आप ना कि सिक्सटी लोग so सोशल प्रूफ हो हो तो होता है ठीक है ये हो गया अब प्रोडक्ट्स के इस कैटेगरी में मैंने तुम लोग को बता दिया है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ काम आ रहे होंगे कस्टमर्स की ये पूरी लिस्ट होगी जो भी कस्टमर तुमसे खरीदेगा ठीक है ये उन सब की

मेरे शॉप के जो मेजोरिटी बायर्स है जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है वो किस प्राइस रेंज के अंदर खरीदा है वो उन बायर, बायर्स का परसोना क्या था उनकी डेमोग्राफिक्स क्या थी मैं आ, उनके लिए किस तरह की ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चला सकता हूँ या और कौन सी ऐसा प्रोडक्ट और ला सकता हूँ जो क्योंकि उनका अगर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है आपके स्टोर का तो आप उनको वापस रीच आउट कर सकते हो और फिर से उनको आ, सेल कर सकते हो कोई और प्रोडक्ट सही है तो हाँ, मर्चेंट अकाउंट और ये सारी चीजें यूज करेंगे हम लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में तो अभी फिलहाल जब मैं बात करूंगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा इसके ऊपर किस तरह काम करना है डिस्काउंट का वो एरिया है जहाँ पे आप डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो जैसे कि मैंने ये बैक एंड पे एक यूनिवर्सल डिस्काउंट क्रिएट करा हुआ है हर किसी के लिए वो ट्वेंटी ट्वेंटी जो भी कूपन जाके यूज करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी उसको टेन परसेंट ऑफ द एंटायर स्टॉक मिलेगा ठीक है तुम लोग इस तरह कोविड नाइनटीन का कोई रख सकते हो कोई कैंपेन के हम लोग एज अ गुड जेस्टर ट्वेंटी परसेंट ऑफ दे रहे हैं फॉर ओवर दीज क्लीनिंगमेंट बिकॉज ऑफ कोरोना कोरोना क्राइसिस और दैट क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं तुम लोग को पता ही ये बात ठीक है तो तुम लोग भी कुछ ऐसी चीज कर सकते हो एप्स के ऊपर मैं तुम लोग दिखाया था बेस्ट एप्स कौन सी हैं क्या यूज होता है इन एप्स का किस तरह यूज होंगी तुम लोग के फेवर में ये सारी चीजें मैं तुम लोग डिटेल में बताऊंगा बेस्ट एप्स कौन सी है तुम लोग कौन सी एप्स यूज कर सकते हो कैसे यूज करना है इन एप्स को इनका यूज मैं तुम लोग बताऊंगा नॉट येट अभी पहले मैं ये कंप्लीट करनी तो फिर मैं देखता हूँ टाइम कितना रह गया हमारे पास थीम्स का सेक्शन थीम्स बेस्ट थीम्स मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं मैं खुद oh. अभी फिलहाल जो यूज कर रहा हूँ, मैं अभी एक चीज तुम लोगों को बताता चलूंगा जी वाइटल एप्स मैं आपको सब बताऊंगा कहीं कोई कोई चीज कहीं नहीं जा रही सब बताऊंगा मेरा काम है आप लोगों को बेस्ट बेस्ट एप्स बताऊंगा अच्छा मैं बूस्टर थीम .3.0 3302 यूज कर रहा हूं मतलब 3.0.2 ये वर्जन भूल जाओ बूस्टर थीम हो गई या और भी बहुत सारी थीम्स हैं जो मैं जिनका तुम लोग का नाम बताऊंगा जो बहुत ऑप्टिमाइज हैं, ठीक है ठीके? और बहुत सारी एप्स जिनके तुम लोग पैसे देते हो तुम लोग उनके पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर तुम इस तरह के टेम्पलेट्स खरीद के रख लेते हो ये कोई डेढ़ दो सौ डॉलर डॉलर के टेम्पलेट होंगे लेकिन तुम लोग को रिकरिंग जो इन्वेस्टमेंट होगी जो ऐप्स हम लोग को बार बार हर महीने जिनके पैसे देने पड़ेंगे उन एप्स के तुम लोग पैसे नहीं देने पड़ेंगे जैसे कि तुम लोग ये देख रहे हो ये चीज है ये सोशल प्रूफ वगैरह ये लो स्टॉक दिखाना और ये सब कुछ करना ठीक है आ, ये इन इस, ये ऐप्स आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती है मेजोरिटी ई कॉम टर्बो मैं इतना सजेस्ट नहीं करता मेरे पास इ कॉम टर्बो भी है आप देख सकते हो नीचे ये रही ई कॉम टर्बो मेरा ई कॉम टर्बो का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मतलब अच्छा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा मतलब कि अच्छा ही नहीं है, ये थीम। ये थीम अच्छी है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बूस्टर थीम थ्री, के लिए ज्यादा अच्छा रहा है मतलब टर्बो टर्बो अच्छी अच्छी है saying, e अच्छी है आई एम स्टिल मैं अभी अभी मैं थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा सॉरी मैं अभी थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं जब थीम्स के ऊपर आऊंगा तब तो मैं थीम्स के ऊपर बात करूंगा मैं अभी थीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं जब आऊंगा तो मैं आप लोगों को सब बता दूंगा कौन कौन सी मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो दूसरे लोगों का ओपिनियन है कौन सी थीम्स अच्छी कौन सी कैसी है अभी थीम मत खरीदिएगा खरीदी नेक्स्ट सेशन का वेट कर लीजिएगा बेहतर यही है है ठीक अच्छा तो ये जो आप देख रहे हो स्कार दिखाना फियर फैक्टर दिखाना सोशल प्रूफ दिखाना इनके लिए आप लोगों को यूजुअली एप्स डाउनलोड करके डाउनलोड करनी होंगी इंस्टॉल करनी होंगी अपने

बूस्टर थीम 3.0 आई मीन जो भी बूस्टर थीम है इन लोग का जो बहुत ऑप्टिमाइज थीम्स हैं इनकी बहुत ऑप्टी और इनका जो है ना बेसिकली लोड टाइम बहुत अच्छा है तो मैंने इस वजह से ली भी है मैं सिर्फ इतना बताना और मैं और बहुत सारी थीम्स बताऊंगा लेकिन अभी आई वॉन्ट टू स्टिक टू दिस फिलहाल ठीक है ब्लॉग पोस्ट का आप सेक्शन एड कर सकते हो नेविगेशन में जाके ही आप अगर ब्लॉग डाल दो तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो ये एस वाला परसपेक्टिव है जब एसईओ वाला आएगा तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा आई एम स्किपिंग दिस राइट नाउ पेजेस पेजेस के ऊपर आ जाते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस ट्रैक ऑर्डर अबाउट अस ये सारी चीजें आ गई आपकी ये देख रहे हैं आप लोग मेरे पास फुटर में आया हुआ है सही है कॉन्टेक्ट शिपिंग इन फॉर रिफंड पॉलिसी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ सर्विस ये सारी चीजें आप लोग को डालना जरूरी है ठीक है आप लोग को नहीं पता ये कैसे जनरेट होती है क्या आप लिख दो शॉपिफाई टर्म्स ऑफ सर्विस जनरेटर ठीक है ये आ गया ठीक है इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी भी कर सकते हो तुम लोग जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर सही है इन लोग के अपने टूल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो आप लोग ने थोड़ी बहुत उसको एक बार पढ़ लिया ढंग से पढ़ लेना है लेकिन पढ़ लिया देख लिया कहाँ पे आपका नाम आना है कहां पे आपका एड्रेस आना है वो डाल दिया आपने फिर हो गया ये भी ठीक है पेजेस आपको इंटीग्रेट करना मैं बता देता हूँ आपने पहले पेज बनाया ले सपोज आपने ऐड पेज करा ऐड पेज करने के बाद आपने ले सपोज फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन ठीक है आपने यहाँ पे पूरी अपनी जो भी ले सपोज व्या हो गया इज द शिपिंग टाइम या, yeah. so दिया सही है रिलेटेड क्वेशन उसका लिख दिया फिर इस तरह करके तुम लोग ने पूरी चीज करी तुम लोग ने इसको सेव कर दिया एक बार तुम लोग इसको सेव कर लोगे तो वो इस तरह आना शुरू हो जाएगा जैसे मेरा आ रहा है ठीक है जब ये हो जाएगा फिर तुम लोग ने करना ये नेविगेशन में जाना है नेविगेशन में जाने के बाद तुम लोग को फुटर मेन्यू में जाना है ठीक है मैंने एक और फुटर मेन्यू बनाया था इसको डिसेबल कर दिया था मैंने मैंने कस्टमर हैप्पीनेस के नाम से बनाया था जब कस्टमर बजाय कस्टमर हैप्पीनेस आ रहा है ठीक है और आ, तुम लोग उसके अंदर सारी डिटेल्स डाल सकते हो कैसे एड मेन्यू करा तुमने डाला ले सपोज एफ लिंक करा पेज और पेज लिंक करने के बाद तुम लोगों ने पेमेंट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन डाल दिया फॉर एग्जाम्पल अगर पेमेंट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ठीक है और इसको ऐड कर दिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर तुम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या चीज ऊपर नानी चाहिए क्या चीज नीचे लेकिन दैट्स दस फिटिमा चेट ये हो गया अच्छा अब एक बात ये आती है कि यहाँ पे तो आपके पास दो फुटर मेन्यू आ रहे हैं एक फोटर मेन्यू कस्टमर हैप्पीनेस आपने कैसे ये असाइन करा कि कस्टमर हैप्पीनेस आए आए पे और फुटर ना आए? ये भी एक सवाल बनता है ये सवाल का जवाब जो है 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 ना आपका ये आता है, थीम्स में जाके ठीक आप थीम्स में जाओगे थीम्स में जाने के बाद आप जब थीम एडिट कर रहे होगे और मैं अब तुम लोग थीम से रिलेटेड बता रहा हूं ठीक है अब अब फिलहाल फिलहाल अब मैं एक स्टेप पीछे आ गया हूं वापस से और मैं थीम्स के बारे में अब बताना स्टार्ट कर रहा हूं तुम लोग को कस्टमाइज पे क्लिक करा अब शॉपिफाई की सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है हर चीज लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप है तो लोग हर काम बहुत आसानी से कर सकते हो क्या हो गया इसको क्या आ रहा है इतना बड़ा ऐसा तो मेरा मेन्यू है भी नहीं बड़ा आई थिंक कुछ बग हो गया लेकिन ऐसा मैंने कभी कस्टमाइज में भी कभी ऐसा नहीं आया ठीक है सो हेडर है तुम लोग के पास हेडर पे गए तो यहाँ पे रिमूव स्पेस बिलो द सही है तो तुम लोग रिमूव कर सकते हो मैंने टिक करा हुआ है हाँ, मैंने रिमूव है ठीक है लोगो आ रहा है मेरा हेडर पे कैसा आना चाहिए डेस्कटॉप पे ऐसा आना चाहिए मोबाइल पे ऐसा आना चाहिए दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं एक बात याद रखना मेरे पास जो ऑप्शन ऑप्शन आ रहे हैं वो तुम लोग के पास डिफरेंट हो सकते हैं तुम लोग की थीम के लिहाज से ठीक है बैक करा फिर उसके बाद टाइटल विद टेक्स्ट यहाँ पे तुम लोग एक मतलब यहाँ पे जो वो पूरा क्या हो गया पता नहीं इसके मेन्यू को यार पता नहीं बहरहाल कुछ बग हो गया तो ये वो टाइटल है जो मतलब फॉरन मेरे स्लाइडर के बाद आ रहा है इस स्लाइडर के बाद ठीक है इधर दिखा देता हूं ठीक है ये मेरा स्टार्ट हुआ देखो यहां पे बिल्कुल सही आ रहा है ये मेरा स्टार्ट हुआ ये मेरा स्लाइडर है स्लाइडर के बाद ये एरिया देख रहे हो ये मेरा हुआ हो गया जो टेक्स्ट आ रहा है बेदीत स्लाइडर ठीक है मतलब हर चीज बहुत सिंपल है अब आ जाते हैं उसके ऊपर जो मैंने बताया था कि लिंक कैसे करा हुआ है मैंने यहां पे कहीं होगा फुटर मेन्यू ये रा फुटर सॉरी फुटर में मैंने बताया वह यहाँ पे कि पे जो सेक्शन डालना है चार 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 ब्लॉक 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 सकते हैं एक ब्लोक, दो ब्लोक, तीन ब्लोक, चार ब्लोक। देख लो चार मैं। तो मैंने चार, ये देख लिखा तो अगर मैं कोई डिलीट करता हूं कस्टमर की जगह, अगर मैं यहाँ पे फुटर ले आता हूं ठीक है तो यहाँ पे मेरा दूसरा वाला वो आ, नेविगेशन में जो दूसरा वाला था ना मेन्यू फुटर का वो आ जाएगा यहाँ पे तो मैंने अपना कस्टमर हैप्पीनेस की की वजह से से तरफ बनाया हुआ है यहाँ से बहुत से आप ऐड कर सकते हो लेकिन जैसे मैंने तुम लोग को बताया ये जो सेक्शन है थीम्स के ये डिफर करेंगे हर किसी के लिए अकॉर्डिंग टू देर थीम ठीक है लेकिन ये है बहुत इजी जो मुझे सेक्शंस नहीं चाहिए थे वो मैंने डिसेबल कर दिए अगर मुझे और सेक्शंस ऐड करने तो वो मैं कर सकता हूं यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाके ये देखो आ रहे हैं यहां पे सारे ठीक है तो ये चीज है डोमेन्स का अच्छा मैं तुम लोग को एक बता देता हूं एक बात भाई देखो मैंने आखिरी बार जो मेरे कस्टमर से ज्यादातर अपने डोमेन्स खुद लगाए हुए होते हैं मैं तुम को एक फैक्ट बात बता देता हूँ फिर से समझा रहा हूँ करने की कोशिश करी थी मैं मेरा पार्टनर और मैंने तो उस पर हमारे पास ये बार बार लिखा हुआ था कि डोमेन नेम तीन महीने पुराना होगा तो ऐड होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू सम अदर फ्रेंड्स हु आर डूइंग ड्रॉप ड्रॉपिंग देर से उनके कनेक्ट हो रहे हैं अब क्या पता वो इसलिए कनेक्ट हो रहे हो कि उनके पहले तीन महीने पुराने हों या क्या वजह है मुझे नहीं पता आई एम श्योर डोमेन्स कनेक्ट हो रहे होंगे और मैं पहले डायरेक्टली डोमेन कनेक्ट करता था लेकिन लास्ट टाइम इसी शॉप के ऊपर जब मैंने डोमेन कनेक्ट करने की कोशिश करी थी तो ये आया था तो हम लोग ने एज्यूम करा कि मे बी इन्होंने अपनी कोई पॉलिसी रिवाइज करी है लेकिन इन्होंने फिर एक और ऑप्शन दिया कि आप शॉपिफाई के थ्रू प्रोवाइडर देख रहे हैं आप शॉपिफाई के थ्रू डोमेन खरीद लें अगर आपका तीन महीना पुराना नहीं है और फिर मैंने मजबूरन फिर शॉपिफाई के थ्रू खरीदा तो अगर कोई चेक करके बताना चाहे बता सकता है कोई मसला नहीं है ओके नो मंथ पॉलिसी नाउ ठीक है ठीक है तो फिर मतलब फिर प्रोबेबली हटा दी होगी ठीक है लेकिन ये शॉपिफाई से खरीदने का हमारा मकसद ही यही था क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये आ रहा था ठीक है तो मतलब फिर प्रोबेबली इन्होंने मे भी कोई इशू हुआ हो या क्या बग हुआ मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में लेकिन क्लियरली हम तीन एक नहीं हम तीन लोग थे जिन्होंने ये चीज करने की कोशिश करी हम लोग ने बस सपोर्ट से इसलिए बात नहीं करी शॉपिफाई की क्योंकि हम लोग को ये लग रहा था कि यार क्या पता इन बस अपनी नई पॉलिसी लेके आए हो क्योंकि टी चिप पे ये है टी चिप पे ये है कि आपको अपना डोमेन नहीं लगा सकते लेकिन आपको खरीदना पड़ता है तो हमने सोचा कि क्या पता ये अपने एसेट्स बनाना चाह रहे हो तो इस वजह से ये बात बोल रहे हो बहरहाल इस चीज की जरूरत नहीं है तुम लोग अपने डोमेन्स न्यूली डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हो Uh, मैंने पहले तुम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दी थी बिकॉज मुझे लगा था कि शायद इन्होंने अपडेट कर लिया है क्या पता इन्होंने फॉर सम सम टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम मे मे बी बी अ वीक आई डोंट नो फॉर टेस्टिंग करने के लिए इन्होंने इम्प्लीमेंट करा हो नहीं चला हो या लोगों के बैकलैश आया हो तो इन्होंने जो है ना रिवर्ट कर दिया हो या क्या आई हैव नो है बट ये था सही है तो तुम लोग अब आप तुम लोग लगा सकते हो अपने डोमेन्स खरीद के और फिर अपने पास रख सकते हो फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट अ तुम लोग अपना ये एसियो पर्पज के लिए है होम टाइटल लिखो होम पेज टाइटल रखो उसके कुछ मैटर डिस्क्रिप्शन लिखो ये डालना जरूरी है डालो ठीक है गूगल एनेटिक्स का कोड है वो यहाँ पे पोस्ट पेश कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये मैं करके बता दूंगा जिस वक्त हम लोग गूगल एनाटिक्स के ऊपर अगर कुछ देखना होगा तो दिखा दूंगा मैं कोई मसला नहीं है एनालिटिक्स में जाके तुम लोग सिर्फ अपना ट्रैकिंग कोड निकालना है और यहाँ पे पेश करना है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है एक बार दिखाई देता हूँ ये ट्रैकिंग इन्फो आ रहा है ट्रैकिंग के बाद जाने के बाद ट्रैकिंग कोड पे जाओ एनालिटिक्स पे और ये कोड पूरा आ रहा है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो ठीक है मैं फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि कि ये मेरे किसी और चीज का कोड है फेसबुक पिक्सल फेसबुक पिक्सल पे जब मैं आऊंगा तो पिक्सल कोड लगाना बता दूंगा वैसे बिल्कुल बच्चों वाली चीज है कोई मसला नहीं है ऐसा अगर किसी को नहीं भी आता बिकॉज फर्स्ट टाइम हर किसी को सीखना होता है मैं तुम लोग बता दूंगा to लेकिन इम्प्लीमेंट करना जरूरी है वरना तुम तो लोग सीख भी सकते हो जब शॉप रेडी ना हो तो पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दो सही है ताकि तुम्हारी शॉप आधी अधूरी नजर ना आए जब शॉप रेडी हो जाए फिर इसको हटा दो ताकि जितने भी कस्टमर आए तुम्हारी शॉप को देखे कम्प्लीटेड देखे पूरी ठीक है इन दोनों पे अभी मैं नहीं आ रहा इन पे बात नहीं कर रहा मैं सेटिंग्स पे जा रहा हूँ रिगार्डिंग सेटिंग्स ठीक है ये सारे एरियाज मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूं जनरल ये तुम लोग का आ, स्टोर की सारी डिटेल्स हैं ठीक है प्लान एंड परमिशन या सो so, तुम लोग का प्लान क्या है ये बता रहा होगा तुम लोग को पेमेंट प्रोवाइडर्स यहाँ पे तुम लोग को अपनी पे... अच्छा मैं मैं लेट्स बी ऑनेस्ट मैं तुम लोग को हर सेक्शन में पेमेंट uh, प्रोवाइडर्स पे तुम लोग जाओगे तो तुम लोग को स्ट्राइप का अकाउंट पेपेल या टू चेकआउट लगाना है टू चेकआउट का मैंने पूरा तरीका facebook पे डाला हुआ है अगर पेपेल है तो पेपेल लगाना

एक ग्लोबल शिपिंग एक रखनी पड़ेगी ठीक है एक शिपिंग जोन रखना पड़ेगा एक नया शिपिंग जोन बनाना पड़ेगा एक नई प्रोफाइल क्रिएट करना ठीक है क्रिएट एन यू प्रोफाइल और उस प्रोफाइल को तुम लोग को रखना होगा ग्लोबल पे सेट करना होगा एक शिपिंग जोन रखना होगा तुम लोग को शिपिंग फ्रॉम ओबेलू एप क्योंकि ये ऑटोमेशन होगी ठीक है तुम लोग के जब पास, जब पास भी कोई ऑर्डर आएगा वो तुम लोग वन क्लिक पे उसको पूरा पूरा ऑटोमेट करके जो है ना उसको फुलफिल करवा रहे हो वो मैं तुम लोगों का तरीका बाद में बताऊंगा अभी नहीं बता सकता लेकिन अभी फिलहाल मैं शिपिंग जोन की बात कर रहा हूँ शिपिंग जोन तुम लोग क्रिएट करोगे फ्री शिपिंग के नाम से आइडियली कोशिश करो कि फ्री शिपिंग रखो या ऐसा रखो कि फ्री शिपिंग ओवर ट्वेंटी फाइव डॉलर सेलेक्ट करा जोन नेम रखा तुम लोग ने ठीक है और फिर तुम लोग को ये सेलेक्ट करना होगा कि तुम लोग इसकी जो है ना एक सेकेंड होल्ड करना वैसे एक सेकंड होल्ड करना जरा हाँ या yeah. ठीक है ये सारे जोन आ रहे हैं तुम लोग चाहो सबको सेलेक्ट कर लो एक्सेप्ट फॉर पे ई पैकेट नहीं होता बाई डिफॉल्ट लेकिन मेजोरिटी सारी कंट्रीज में जो है ना खासतौर पे जहां पे तुम लोग बेच रहे होंगे प्रोडक्ट्स वहां पे ई पैकेट होता है ठीक है रेट ऐड करना होगा बताना होगा रेट क्या है शिपिंग का ठीक है उसका नाम रख लो ट्रैक शिपिंग अंडर 25, और प्राइस रख लो उसकी ये कंडीशन को एड करना सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास के शुरू में मैंने अपने पास लिख लिया है कि मैं तुम को थोड़ा सा शिपिंग के ऊपर बता दूंगा ज्यादा डिटेल में प्रॉपर तरीके से सेटअप कैसे करना है तुम लोग को अपना शिपिंग बिकॉज सेटिंग्स में सारी चीजें बाकी सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसपे मुझे जो ना एक लंबा सेशन करना हो ये मैं तुम लोग को प्रॉपरली करके बता दूंगा बिकॉज इसमें मेरे पास दो केसेज होंगे मैं तुम लोग को वो वाली नहीं बता रहा शिपिंग उसके बाद उस एक शिपिंग में कवर नहीं कर रहा वो मैं तुम लोग को पहले ही बता देता हूँ ये सारे ई पैकेट कंट्रीज में खास इसने डाले जिसने भी डाले किसने डाले हसन ने से खास ठीक है मैं जिस बारे में बात कर रहा था वो मैं बता देता हूँ तुम लोग को दैट्स कॉल्ड फ्री प्लस शिपिंग फ्री प्लस शिपिंग मैं नहीं कवर कर रहा मैं फ्री प्लस शिपिंग एक जमाने में कर चुका हूं लेकिन और शायद कुछ लोग अभी भी करते होंगे लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फ्री प्लस शिपिंग बिकॉज वो आपका सारा पिक्सल डाटा खराब कर देता है ठीक है तो फ्री प्लस शिपिंग के ऊपर मैं आई बी गोइंग ओवर फ्री प्लस शिपिंग ये यहां से आई विल शिपिंग से आगे मैं तुम लोग वापस कवर करूंगा हम लोग की पहले से सेट हुई भी है ये मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे करना है अबव ट्वेंटी फाइव डॉलर वाला कैसे करना है और अगर तुम लोग को कंप्लीटली ये देखो जैसे हम लोगों ने रखा हुआ यहाँ पे ठीक है और अगर तुम लोग को कंप्लीटली फ्री रखनी है तो भी तुम लोग को क्या करना पड़ेगा ये भी बता दूंगा अच्छा आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन नाउ अच्छा सिंस ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर्स टेक टाइम एंड माई टाइम रीच कस्टमर आर पीपल यस दे आर Yes, Yes they are. Yes. they people are are people still considering uh, to order through uh, these drop shipping stores खुद देख रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूँ ड्रॉपशिपिंग चल रही है मैं ये नहीं बोल रहा अभी घूम है ड्रॉपशिपिंग का ऐसा कुछ नहीं है बस स्पेसिफिक एरियाज में चल रही है तो जस्ट यू जस्ट है I use PL product site for AMZ associates. Okay. Currently I'm not using that, so I'm thinking about converting it. Uh, converting it to what, Ali? Converting it to what for Shopify dropshipping? If so, then I don't do it. रेडी रहो उसके लिए भी पीएल के लिए भी उस, ये अलग प्रोजेक्ट है इसको अलग तरीके से ट्रीट करो ओके आई कंसिडर दैट पीएम वाला सेक्शन फॉर uh, मैं सॉरी आई हैव बीन विद एंड ओवरवे का जो मैं पूरा सेशन बना रहा हूँ प्लस ये पास क्वेरीज इतनी आ रही हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मैं फोकस तुम लोग को डिलीवर करने पे फोकस करूँ uh, थोड़ा सा अगर ये एक एक करके सेशन हो रहे होते पहले शॉप बाद में फिर केंडल फिर बाद में आई एम तो मेरे लिए मैनेज करना जरा आसान होता आई एम लिटरली विद ऑल एंड लिटरलीवरवे तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ अपने बेस्ट अपना बेस्ट के मैं करूँ जितना कैटर कर सकता हूँ क्योंकि देखें मेरी 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 जॉब जॉब भी भी है भी है मैं भले कितनी भी देर काम करूं लेकिन मुझे नाइन टू सिक्स जूम पे रहना है ओवर जॉब और अगर मेरा बॉस या मुझसे कोई मेरा सीईओ कोई सवाल करता है तो आई right? तो वो मेरी जॉब अलग है फिर मेरी ये तीन सेशंस अलग हैं और फिर इन सेशन हर एक स्टूडेंट के तीन तीन सेशन से रिलेटेड दो दो सेशन से रिलेटेड सवाल और फिर उनके स्टूडेंट्स के लिए टेम्पलेट्स बनाना उनको चीजें हैंड ओवर करना डब्ल्यू फाइनलाइज करना इसका भी मैं कर रहा हूँ uh, तक हो जाना चाहिए uh, तो और प्लस पीएम्स के साथ भी अब मेरा जो है ना कोऑर्डिनेशन चल रही है उनके साथ अलग सेशन करना तो इट बिकम्स हेक्टिक तो यू विल गेट दिस डोंट वरी अबाउट दिस यू विल गेट दिस बिफोर द नेक्स्ट सेशन ठीक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा तो आई कैनोट प्रोवाइड दिस टू गाइस अनफॉर्चुनेटली हाँ बूस्टर थी थ्री पॉइंट टू और मे बी टू पॉइंट ओ अंडरग्राउंड वेबसाइट से मिलती है आ, लेकिन फिर उसमें सपोर्ट नहीं होती आपके पास और इसकी काफी मेजर सपोर्ट है मैंने करके करा था एक दफा मैंने मेरे ख्याल है मेरे पास अब पता नहीं है कि नहीं है मुझे ये नहीं पता लेकिन मैं ये आपको दिखा देता हूं बूस्टर थीम 2.0 नहीं बूस्टर थीम का एक वर्जन हाँ टू पॉइंट टू पॉइंट वन ये देख रहे हैं ये आई थिंक मेरे पास कहीं पड़ा हुआ होगा अभी ही नहीं है मेरे पास ठीक है अभी नहीं है मेरे पास ये लेकिन मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा अगर मुझे मिल जाता तो मैं दे देता हूँ लेकिन इसमें आप लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगी और काफी चीजें आप लोग के पास सही से चलेंगी नहीं लेना चाहे तो आप लोग ले ले मुझे कोई मसला नहीं है लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा आई कार्ड प्रोमिस कि अगर मेरे पास कहीं पड़ा हो मुझे देने में कोई भी इशू नहीं है मैं हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ उटर फॉर स्पाइंगली सारा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देते हैं ड्रॉप पॉइंट मैंने पर्सनली यूज नहीं करा तो मैं बता नहीं सकता कोई ई e यूज करता है तो कोई न्यूज क्रैप्टर यूज करता है कोई सेल्स फोर्स यूज करता है तो कोई कुछ और यूज करता है कोई बिग स्पाई यूज करता है तो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं ठीक है तो आप चाहो तो किसी दो को साथ लेके चल लो हमजा गूगल शॉपिंग एड्स में करवा रहा हूँ गूगल शॉपिंग एड्स है मेरे दिश में मेरा कोर्स का एक मेजर हिस्सा है गूगल शॉपिंग एड्स मैं गूगल शॉपिंग एड्स खुद भी कर रहा हूँ तो uh, जाहिर सी बात है मैं आप लोग का भी कर ठीक है तो जी मुस्तफा uh, तो आप वापस ले आओ ना हमजा हमजा हाउ मेनी प्रोडक्ट शुड वी गो फॉर इफ वी आर ऑप्टिंग फॉर अ स्पेसिफिक स्टोर एंड स्टार्ट इफ यू ऑप्टिंग फॉर स्पेसिफिक

कि जो ड्रॉप ड्रॉपशिपर्स हैं आपको अली एक्सप्रेस पे एक तो बहुत सारे खुद मिल जाएंगे और वो आपको सात दिन में भी डिलीवर करने का प्रॉमिस कर देंगे एक होते हैं अली एक्सप्रेस से बाहर के सप्लायर्स वो भी आपको मिल जाएंगे लेकिन वो फिर आपसे प्रॉमिस लेते हैं कि आप उनको नंबर ऑफ ऑर्डर दे रहे होंगे वो दस से लेकर तीस के बीच में वेरी करता है और आपके जितने ऑर्डर बढ़ेंगे उतने ज्यादा वो आपको इंसेंटिव देते चले जाएंगे ठीक है अभी मैं फिलहाल लेकिन ये सेशन मेरा सप्लायर्स पे है नहीं सप्लायर्स uh, के ऊपर मैंने सरसरी थोड़ी बात बात पहले करी भी और और ज्यादा बात आगे करूंगा एग्जैक्टली um, exactly. तो हमारे पास ऑप्शन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अब हर दूसरे तीसरे प्रोडक्ट में ऑप्शन होता है कि आप यूरोप और यूएस सेलेक्ट कर लो फॉर एज अ सप्लायर सप्लायर कौन हो यूएस से हो या कहा से हो ठीक है शोएब चेक द ट्रेंडिंग सेलिंग टाइम्स नाउ डेज हाउ टू चेक द ट्रेंडिंग सेलिंग टाइम नाउ डेज यू आई आई नाइज दैट बिकॉज मेरी ओके सो मैं ड्रॉपशिपिंग में भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और ये तो आपको पता होगा तो आई हैल एंड अदर दिन ड्रॉपशिपिंग मतलब uh, मतलब ड्रॉपशिपिंग के ही business में मतलब सम अदर क्लाइंट्स as well जो के मेकअप में कोई एग्रेसिव नहीं जा रहा है वो चंद की बात कर रहा हूं मैं जो कर रहे हैं और वो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं एक का चल गया एक का नहीं चला सही है तो ऐसा नहीं कह रहा कि मेकअप बस चल रहा है लेकिन हाँ एक का बहुत अच्छा बहुत क्रेजी अच्छा गया तो अब क्या कह सकता हूं ठीक है या कैन यू नेम अ प्रोडक्ट कैन यू बी नेम अ प्रोडक्ट नेम एज वेबसाइट नेम ऑन शॉप ऑफ आई नेम क्या कैन वी नेम प्रोडक्ट नेम एज वेबसाइट नेम ऑन शॉप नेम टू डू स्टोर ओके okay. तो आप प्रोडक्ट नेम मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपका सवाल ये है कि आप क्या प्रोडक्ट का नाम वही रख सकते हैं आ, जो प्रोडक्ट का नाम है वही वेबसाइट का नाम है ठीक है तो जी आप कर सकते हैं ये बिल्कुल बहुत सारे लोग करते हैं ये ठीक है बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो चाइनीज सेलर्स ने अपनी डॉट कॉम पे वेबसाइट नहीं खोली भी होती है तो उनके ब्रांड के नाम के ऊपर ही वो अपनी साइट खोल देते हैं जब वो अवेलेबल होती है तो ऐसा लगता है कि वो उसी स्टोर की साइट है बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ठीक है तो या इन ए सीओ नो मैंने आपको बता दिया था डोमेन नेम डायरेक्टली हेल्प नहीं करता लेकिन डोमेन नेम से बस एक फायदा ये होता है कि आप आ, याद रखने में आसानी हो जाती है फाइंड फाइंडिंग कस्टमर रेलिवेंट फाइंडिंग कस्टमर रेलिवेंट फॉर बिकॉज ऑफ द डोमेन आई डोंट थिंक सो मतलब

वो उसी में आते हैं दोनों चीजें फिटनेस में ही आती हैं हाउ कैन आई मार्केट देम ऑन फेसबुक एड्स ये मेरा सेशन होगा जब तो फेसबुक का तब मैं इस पे बात करूंगा हाउ मच ग्रॉस मार्जिन शुड बी इन प्रोडक्ट आइडियली डॉलर्स अच्छा तो ये मैंने एक सेशन रखा हुआ है लेकिन इस पे कोई रूल ऑफ वो नहीं है देखें असल में आपको प्रोडक्ट की फेस वैल्यू डिटरमिन करनी है कि आपके ख्याल में अगर वो प्रोडक्ट आप इसके कितने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं इस प्रोडक्ट की ऑफिशियली आप कितनी पैसे देने के लिए वो होते हैं मैं आपको बताता हूँ ये स्नो स्क्रैपर है स्नो स्क्रेपर एंड स्नो स्क्रेपर जो है वो कनाडा में बहुत चले जब हमने बेचे ठीक है तो स्नो स्क्रेपर्स का क्या था कि वो कोई दो डॉलर या एक डॉलर की प्रोडक्ट थी और हमने उसको दस डॉलर पे बेचा है तो दैट्स ऑलमोस्ट थाउजेंड परसेंट और मोर वट एवर दैट इज ठीक है तो हर प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता हम फेस वैल्यू देखते हैं लेकिन मैं तुम लोग को बस एक बताना चाहूंगा बात कोई भी प्रोडक्ट्स जो तुम पंद्रह डॉलर से नीचे प्राइस कर रहे हो बेहतर है उसकी तरफ मत जाओ मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करो नहीं एक्सेप्शन होती हैं लेकिन मेजॉरिटी जो तुम लोग प्रोडक्ट्स ढूंढो कोशिश करो तुम उनको प्राइस करो पंद्रह डॉलर से ऊपर हाँ, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा कि फेस वैल्यू भी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट एक डॉलर का है और आप उसको पंद्रह डॉलर पे कर रहे हो तो ये फिर बेकार बात हो जाती है आपको क्या लगता है कि एक कस्टमर इसके देने कितने कितने देने के लिए तैयार होगा उसके अलावा एक स्लाइड मेरी प्राइसिंग के ऊपर है तो वो भी मैं कर लूंगा एक मिनट रुकी ठीक है सिर्फ स्लाइड्स मेरी एक सिर्फ उसके ऊपर है प्राइसिंग uh, के ऊपर है कि क्या करना है आपको क्या दिमाग में रखना है प्राइस करने के लिए और या yeah, कटआउट के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी बात करूंगा सिकंदर का सवाल है अच्छा एंड व्हाट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन फेसबुक दे इज नो फिक्स दे इज दैट एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ भी फिक्स नहीं है ये सब वेरी करेगा

सॉरी मैं आपका मैं फिर से मैं कोशिश करें सब लोग एक बार सवाल कर लिया करें बिकॉज़ दूसरों के भी चांस होना होता है है फिर वो आपको पता है, लास्ट टाइम वसीम जो थे वो सवाल कर रहे थे और वो इस बात पे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि आप लोग दो दो सवाल तीन तीन सवाल चार चार सवाल कर रहे हो मेरे बताने के बावजूद मुझसे इस बारे में बहस कर रहे होते हो कि नहीं सर सर सब बस आखिरी सर, सर, सर बस आखिरी भाई तुमने पहले कर लिया ऊपर हाथ उठा लिया सवाल कर लिया जो नीचे पंद्रवा बंदा बैठा हुआ है वो सिर्फ ढाई घंटे इस वजह से बैठा हुआ है कि वो अपना सवाल कर ले तो मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूं कि मुझे सवालों का मसला नहीं है दूसरे लोग बैठे हुए होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं उसमें मैंने कभी तो आप लोग को कभी भी कुछ नहीं बोला दो सवाल तीन सवाल करने पे मैं नीचे देख रहा था जब मैं जहां ढाई घंटे का या तीन घंटे की क्लास कर सकता हूँ वहां पे मैं चार घंटे की भी कर सकता हूँ लेकिन नीचे जो लोग बैठे हुए होते हैं फिर वो जो है ना उनको उनकी भी कमिटमेंट्स होती है फील्ड मैं, करी है तो आप लोग अपने दिमाग में ये बांध लें कि मुझे सवाल का आंसर देने में इशू नहीं है कोई लैक ऑफ टाइम हो सकता है वो भी इसलिए नहीं मुझे कहीं जाना है वो इस वजह से क्योंकि टाइम खत्म और भी काम होते हैं बस मतलब काम से ये नहीं घर के काम मतलब वैसे भी काम इसी चीजों से रिलेटेड होते हैं कि मैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई कर रहा हूं मसला आप लोग का है आप लोग के पास लिमिटेशन होती है तो आई एम सॉरी आई विल स्किप दिस यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन ओवर प्लीज आई होप यू नॉट माइंड और इट गोज फॉर एवरी वन रिपीटेड क्वेश्चन इग्नोर कर करूंगा कैन वी यूज पर्सनल पेपैल अकाउंट एट द स्टार्ट हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हैंट इज योर एडवाइस टू बाई यूके और यूएस बेस्ड रिटर्न एड्रेसिस You can uk बाई यू कैन यू के यू एस बेस्ड एड्रेसेस एंड या आप इसको इस तरह हैंडल कर सकते हो you ask them to return to a certain address, but हम मैं मैं ये करता हूँ कि जब कोई रिटर्न या रिफंड आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप रिफंड लो आप प्रोडक्ट भी रखो ये लो एक और सही प्रोडक्ट रखो हमारी तरफ से सही है ये परफेक्ट है इन शेप इन डैमेज नहीं है जो आपको इशू हुआ था

उसके ऊपर मैं आप लोग तो को बेस्ट एप्स बताऊंगा सही है और उनकी वर्किंग भी बताऊंगा लेकिन आ, से हटके एक मिनट या थीम्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, आप फ्री के ऊपर भी जा सकते हो फ्री थीम भी मैं आपको बता दूंगा डेब्यू किसी ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था इसके ऊपर और भी बात हो सकती है हमारी लोग फ्री थीम्स को यूज करके करके भी सेल्स कर लेते हैं लेकिन आइडियली जो चीज बाय बाय करके किसी प्रीमियम थीम में बात आती है वो कभी भी फ्री में नहीं आ सकती तो एक थीम तो आपको मेरे ख्याल है बाय करनी होगी वेयर आई कैन फाइंड पीएम शीट ये प्लीज आप लोग इनको वो शीट दे दो लेकिन अभी मैंने उस पे नाम डालना मना कर दिया आप लोग प्लीज पीएमस को रीच आउट कर लो Uh, कि उनका नाम आप आप लोग का नाम डाल दें और खुद एक पीएम असाइन कर दें वो भले अपने आप को या मुझे बता दें किसी को असाइन करना है तो मैं खुद कर दूंगा नो माय आंसर वुड बी आई मीन देखो मैंने दुबई यूएई में बेचा है आप कर सकते हो सुनो पूरी बात सुनना आप कर सकते हो शिपिंग uh, लेकिन अगर आपको कहीं और जाना ही है तो यूएस की मार्केट कनाडा की मार्केट यूके की मार्केट ऑस्ट्रेलिया की मार्केट इनसे हट के मैं फिर तुम बोलूंगा कि स्केनिडेबियन कंट्रीज की तरफ फोकस करो या दूसरे लैंग्वेजेस में जाओ सही है स्केडेबियन कंट्रीज की तरफ जाओ डेनमार्क की तरफ जाओ नॉर्वे की तरफ जाओ सही है जर्मनी की तरफ जाओ ट्रांसलेटर पकड़ो उनकी जबान में जो है ना ट्रांसलेट करवा के करो वहां पे अभी भी काफी बहुत पोटेंशियल है यूएस मार्केट से ज्यादा जो प्रोडक्ट यूएस में नहीं चल रहा होता वो वहां पे चल जाता है बिकॉज़ uh, यूएस में पहले बहुत बैठे वो जरा हाई रेंट पे चल रही होती है तो तुम लोग उस तरफ जा सकते हो फिर uh, कामरान इज देयर एनी क्लिक क्या अली बाबा एंड नॉट अली बाबा भाई अली बाबा होल सेल है वो वो रिटेल की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है आप लोग तो को प्रोडक्ट्स दे सकता है ओबेल्लू इंटीग्रेटेड है अली एक्सप्रेस के साथ अली बाबा के साथ उसकी नहीं है सर्विसेज अवेलेबल इफ वी चूज सप्लायर हू बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है उसमें ओबेल्लू नहीं आएगा लेकिन हो भी सकता है क्या आ जाए वो मैं आप लोग को सब चीजें बाद में बताऊंगा मैं भी आप लोग को बताना चाह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ कोशिश करें स्टिक टू दैट अभी पहले आप लोग अपना एक्सपीरियंस तो ले लो इस टाइम को आप अपॉर्चुनिटी समझो और आप क्रिएट तो करना स्टार्ट करो कहने का मकसद क्या है कि देर सेवरल वेज टू क्रिएट अ स्टोर ठीक है अली बाबा आई विल नॉट गो टूवर्ड्स अली क्योंकि अली बाबा वाले से बात करें जब तक आप ढाई हजार दस हजार प्रोडक्ट नहीं ऑर्डर करोगे हम आपको नहीं देंगे वही सप्लायर्स अली एक्सप्रेस पर बैठे हुए होते हैं या उनके उनसे ही लेके जाना और चीजें आउटसोर्स करके अली एक्सप्रेस पे सप्लायर्स बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं भाई हम आपको दे देंगे आप हमारे पास आओ ठीक है तो ये जो सात दिन वाला चक्कर है अगर आपको कोई मिल जाता है सप्लायर बहुत अच्छी बात है कम प्राइस पे मिल जाता है सारी टर्म्स आपकी मान जाता है बहुत अच्छी बात है आप उसके साथ ही करो फिर आपको एक शीट मेंटेन करनी पड़ेगी या तो फिर उसके ऊपर तरीके के ऊपर बाद में आएंगे कि इसको आप कैसे ऑटोमेट थोड़ा बहुत कर सकते हो ठीक है थीण। थीण। हसन रिगार्डिंग मार्केटिंग फॉर यू हैव नॉट अपॉइंटेड एनी मैंने अपॉइंट कर दिए सिर्फ कोई तकरीबन दस रह गए हैं और मैंने तभी बोला है आप लोगों से कि प्लीज मुझे बता दें कि आखिरी एक दो अगर कोई पीएम आना चाहता है ऑनबोर्ड एफिलियट के लिए तो वो आ जाए और मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दे और वो लिस्ट आज कंप्लीट हो जाएगी आजकल में मतलब सब ठीक है ये आपका हो गया और आप लोग ने जब आपके सारे पीएम असाइन हो जाए आप लोग अपने पीएम को अपनी निश बताओ ठीक है क्योंकि उसके बाद फिर हमारा कीवर्ड्स रिसर्च का एरिया शुरू होगा आसिफ अंसारी वी शुड सेलेक्ट पे आउट मेथड इन टू चेकआउट इंटरनेशनल वायर

या सॉरी मैं कुछ देख रहा था व्हाट शुड बी सेलेक्ट ओके इफ आई एम सेलेक्टिंग इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर देन व्हाट करेंसी शुड आई सेलेक्ट एस पे आउट करेंसी इफ यूएसडी शुड वी हैव यूएसडी बैंक अकाउंट

हाँ कुछ ये है मैंने तरीका बताया भाई, प्लीज आप तरीका देख लो ना आपसे मैं ये बोलूंगा कि आप तरीका देख लो जो मैंने टू चेकआउट का पूरा तरीका बताया हुआ है फेसबुक की हमारी कम्युनिटी पे पूरा डिटेल तरीका बताया हुआ है और लोगों के अप्रूव भी हों तरीकों को पढ़ के सर डूइंग शीट

अगर आपने फेसबुक एड्स प्रॉमिस करे हुए हैं कि आप एडवर्टाइजिंग के लिए टारगेटिंग दोगे तो टारगेटिंग दो स्क्रीन दे दो आप उसको वीडियो दे सकते हो ठीक है आप उसको प्राइजिंग uh, दो आपको इन्फ्लुएंसर्स दे सकते हो उसको इंस्टाग्राम के, के ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको रीच आउट करके अपने प्रोडक्ट्स आउट आउट करवा सकते हो ठीक है

शिपिंग चार्जेस आपके जब आप उबेलू में पुश कर रहे होंगे तो लिखा हुआ आएगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट आपको ये पड़ रही है इसके शिपिंग चार्जेस ये हैं और टोटल आपको जो पड़ रही है टोटल वो इतने पड़ रहे होंगे आपने क्या प्राइस रखनी है आप बस अपनी प्राइस रखें जो सही लगती है एड्यकोरेट लगती है आपको वो रखें आप सपोज टोटल सब मिला के आपको पांच डॉलर पड़ रही है आपने जो ना पंद्रह डॉलर अठारह डॉलर या बीस डॉलर रख लिया अपने प्रोडक्ट की प्राइस आपने जो भी ठीक है प्राइस रखने के बाद जब आप पे करने जा रहे होगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू या जो भी आपका पास है मोड अली एक्सप्रेस पे तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होंगे उसकी आपको वो करने की जरूरत नहीं है दूसरा सवाल मैं आपका स्किप कर रहा हूँ इज इट नेसेसरी फॉर अ प्रोडक्ट टू बी यूनिक हंड्रेड परसेंट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्ट टू बी यूनिक मैंने बताया सबके मैं दो दो सवाल मिस कर रहा हूँ वेन विल आई बी असाइंड पी एम फॉर डीएस प्लीज असाइन मी एज पी एम ए एस ए पी ओके सर मैं आपको असाइन कर दूंगा आई मिस लास्ट सेशन फॉर शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग ड्रॉप शिपिंग हाउ टू गेट इट आई आई हैव नो मतलब ये तो, I mean, ये तो तो मीन में अपलोड हो गया होगा हो ना गाइस ठीक है आप लोग को मुझे मैसेज करना है पहले मैसेंजर पे उसके बाद मैं डिसाइड करके बताऊंगा कि कौन कौन असाइन हुआ है गाइस प्लीज वॉट इज एफ्लिक्स स्टोर एंड शॉपिफाई शॉपोफाइड एफ्लिक्स स्टोर कुछ भी नहीं है शॉपोफाइल uh, डीएस का शॉपोफाइल ड्रॉप शिपिंग आप पहली बार आए हो तो आप मेरे सारे सेशन देखो उसके बाद आप आओ आप कौन हो यार मुझे आमिर आप पहली बार ले रहे हो मेरी क्लास ये और आप चैट में लिखो आप कौन से स्टूडेंट हो बीबीसी के हो किसके हो आप फर्स्ट क्लास ले रहे हो मेरी अच्छा अच्छा कोई इशू नहीं है आप मेरी शुरू से सारी क्लासेस लो आपको समझ आ जाएगा हम लोग सेम पेज पे आ जाएंगे मंसूर आई ट्राई टू क्रिएट शॉप बट दे अलाउ टू पब्लिश ऑनलाइन स्टोर विदाउट मंथली प्लान नाउ आई आई हैव हैव टू 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 डू रिमूव पासवर्ड फ्रॉम द स्टोर लो मैंने अभी ये तो आपको बताया कि स्टोर में से पासवर्ड कैसे हटाते हैं सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंसेज में जाके आप मेरी इस वीडियो को दोबारा देखो चेक करो कहाँ से पासवर्ड हटाते हैं आपके स्टोर आ जाएगा सामने आज ही तो बताया मैंने आप लोग को बाय डिफॉल्ट आपके स्टोर के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ होता है आपको वो हटाना होता है Zulkar Nain, please share milestones of Shopify Amazon affiliates, uh, affiliates and individual PayPal is fine or business one needed. Business वाले तो क्या ही बात है नहीं तो individual PayPal भी allowed ला, है और Amazon affiliates की मैं आप लोग को जो है ना milestones work breakdown structure दूंगा फिर आप लोग अपने milestones, फिर मैं आप लोग के मैं PM से बात करके आप लोग की progress report लेता रहूँगा. Um, देखिये असल में नाइन्टी डेज वाली कहानी ना मैंने सोच सच्ची बात बताऊं मैं मैं पेड मेंबर मैं उनमें से हूँ जो पे करके हर चीज पे जाते हैं यहाँ पे ग़ुलाम है वो भी वो, उनमें से माशाल्लाह उनके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम लोग पे करके जाते हैं तो मुझे नाइन्टी डेज ट्रायल बुलायल की कोशिश भी नहीं करता हूँ मैं मैं सिर्फ इसको यूज़ कैसे करता हूँ ये जो नाइन्टी डेज या ट्वेंटी डेज या फिफ्टीन डेज का जो ट्रायल होता है ना इसमें हम लोग अपनी शॉप खड़ी कर देते हैं पूरी पूरी सही है और फिर जैसे ही लाइफ जा रहे होते हैं हम फॉरन प्लान पे पे करते हैं और हम लोग लाइफ चले जाते हैं no. uh, uh, जवाब ये ऊपर वाला का पढ़ाऊ में नीचे वाला ही पढ़ रहा हूँ can... मैं आपके सेकेंड सवाल का जवाब दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन फॉर सर्विसेज ऑफ विनिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट so, सक्सेसफुल होनी जरूरी नहीं है लेकिन wow उसमें होना जरूरी है। और हाँ, आपने कुछ रिसर्च करी हुई कस्टमर वाई इट इज अनिंग प्रोडक्ट अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको दूसरा प्रोडक्ट दो फिर सेटिस्फाइड नहीं तो तीसरा दो फिर सेटिस्फाइड नहीं तो चौथा दो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं तो कैंसिल करो ऑर्डर तो दिस इज हाउ इट गोस abdul rahman my uncle opened up a store in canada a body shop related to perfumes facial kits and all other beauty products now now the thing is that it's a well-reputed

अनलेस के आपके प्रोडक्ट में वाउ फैक्टर है तो आप जा सकते हो वरना कोई फायदा नहीं When we see a new product, and our understanding is that the product has need in the community, and people on Facebook has started to advertise just few days ago. Has a need in community and proof. Hence, social proof is weak. Can we ओके okay, आपने फिर से ऊपर से सवाल उठा के नीचे डाला कैन वी स्टार्ट एडवर्टाइजिंग दैट प्रोडक्ट अगर सोशल प्रूफ वीक है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन अगर सोशल प्रूफ वीक है तो मत करें आप उसको एडवर्टाइज uh, बेहतर यही है मेरा अपना क्वेश्चन है उसामा ऊप्स सॉरी वो एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर था तो यू सेड दैट वी कैन गिव आवर सर्विसेज टू नहीं

लेकिन जनरल स्टोर में जरा आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा इज देयर एनीथिंग टेक्निकल दैट वी वोंट बी एबल टू डू बायर्स सेल्फ बाय नाउ नहीं देयर इज नथिंग टेक्निकल फेसबुक एड्स थोड़ा टेक्निकल है वो आप लोग सीख लोगे मैं अभी आ रहा हूँ पर उसामा ठीक um, है एंड व्हाट शुड बी मार्केटिंग बजट फॉर 15 प्रोडक्ट स्टोर देखें मैं आपको बताता हूं मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं ना वो गोरे हैं उनमें से मेजोरिटी वो लोग अपना जो बजट रखते हैं टेस्टिंग बजट पर पर प्रोडक्ट वो पचास से सौ डॉलर रखते हैं पचास सौ डॉलर में वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी मल्टीपल टाइम्स चेंज करते हैं अगर स्ट्रेटेजी चेंज करके सेल्स आ गई तो ठीक है वरना प्रोडक्ट को वो चेंज कर लेने आप लोग चाहो तो सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो पर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे थर्टी थर्टी टू सेवेंटी डॉलर्स रख लो लेकिन मैं बोलूंगा कि फिफ्टी इज फाइन मतलब फिफ्टी के साथ यू शुड स्टिक टू फिफ्टी एटलीस्ट ठीक है फिफ्टी टू हंड्रेड के बीच में उस मुजाहिद अख्तर का सवाल है How can we do Shopify drop using eBay or Amazon instead of AliExpress? I don't know. And area नहीं, नहीं, नहीं करी information दे दू या मैं बोल दू हाँ हाँ मुझे आती है कोई मसला ही नहीं है वो मुझे आती नहीं हाँ मैं सीख सकता हूँ खुद इंप्लीमेंट करके क्योंकि इम्प्लीमेंट करे बगैर मैं कोई भी अगर मैंने कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं करी हुई और उससे मैंने खुद स्कोर नहीं करे हुए सेल्स या पैसा नहीं कमाया हुआ वो मैं लेके उस मॉडल को मैं एडवर्टाइज करता ही नहीं हूँ बताता ही नहीं हूँ वो मॉडल सही है यार आप लोग क्या मैं एक बात बताओ आप लोग एक दूसरे के सवाल मिटा रहे हो सवाल चेंज कर रहे हो क्या कौन है ये मतलब कि क्या एज है आपकी जो भी कर रही है समझ से बाहर है पता नहीं सर आई फाउंड अ प्रोडक्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बाय द वे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग मुझसे बाद में करें मुझे नहीं पता ये कौन है कौन किसके क्वेश्चंस हटा रहा है एंड आई एम सॉरी अगर किसी के हटाएं लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर आई फाउंड अ प्रोडक्ट On Facebook content page theek hai it was a family board game and there was thousands of comments people wanted to willing to buy. I did my research couldn't find a dropshipping uh, dropship store selling it. The product is available on AliExpress. तुम वो छोड़ दो कि dropshipping store selling it. तुम जो तुमने ad देखा है वो खुद dropshipping store था कि नहीं था. And अगर वो नहीं भी था तो if if, if it's famous and तुम्हें उसमें लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आजकल के हालात में बिक सकती है तो

होलसेल टू बी टू बिजनेस वेबसाइट ओके देखिये मैं आपको फिर बता रहा हूं मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं कोई डिफरेंट तरीके से कर रहे हो सकता है आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाए जो इस तरह कर रहा हो होल सेल टू बी से मैं नहीं कर रहा इस तरह डेफिनेटली हो सकता है कोई और कर रहा हो तो जो कर रहे हैं बेहतर ये मैंने आप आप सबको बीच में एक लेक्चर में बताया था कि भाई अगर आप लोग को तीन मेंटोर्स मिलते हैं दो मैंटोर्स मिलते हैं दस मैंटोर मिलते हैं और उन सबकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट है मैं बोलता हूँ आप सब सीखो करो वो जो आपके लिए काम कर रहा है करो वो जो आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये चीज काम कर रही है एंड आई थिंक गुलाम यहाँ पे बैठा हुआ होगा अगर नहीं भी बैठा हुआ तो अगर सुन रहे तो आई थिंक ही वुड थिंक्री विद मी स्ट्रेटेजी कोई एक नहीं है स्ट्रेटेजी है अनगिनत हैं क्लिक के थ्रू भी कर रहे हैं लोग सिंगल प्रोडक्ट स्टोर वर्ड के थ्रू भी कर रहे हैं शॉपिफाई के थ्रू भी कर रहे हैं सही है स्ट्रेटेजी जो है ना अच्छा सिंगल प्रोडक्ट स्टोर की एक डेफिनेशन है सिंगल प्रोडक्ट स्टोर हो और एक डेफिनेशन जिसमें वो सिंगल प्रोडक्ट रखते हैं लेकिन जैसे वो चेकआउट पे आता है तो वो अपसेल लोग करना शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट्स को तो स्ट्रेटजीज जो है ना वो अनगिनत मैं समझ गया आपकी बात तो जिस तरह आप होलसेल टू बी की बात कर रहे हैं ना वैसे ही मैं भी आपको कुछ बता ऐसे सप्लायर्स जो आपके यूएस में बैठे हुए और वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं मैं शायद आपका सिर्फ शुरू में सही से सवाल समझा नहीं था ओके okay, मैं समझ गया आपकी बात ओके देन गाइस दिटी मच इट मैं Uh, हाँ, so अब मैं ये कह रहा था कि आप लोग प्लीज एक काम करिए मैं मोतीशम का सिर्फ सवाल इसलिए ले रहा हूँ गाइस क्योंकि मोतीशम ने यही सोच के जो ना वो वो नहीं करा uh, uh, सवाल नहीं लिखा लेकिन अब मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट ही करूंगा कि बेहतर है कि आपको सवाल जो है ना लिख लिया करो सबसे ही बोल लो चले भाई नॉट फेयर है वो वहां से वो आ गया नॉट फेयर तो जब एक चीज अनफेयर है तो पर्ची नहीं चलेगी चले ठीक है पर्ची नहीं चलेगी ठीक है तो भाई मोहतम आई एम सॉरी भाई और ठीक है <laughs> नहीं नहीं इनशाला नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगा लेकिन आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को बताते बताते ही सवा ग्यारह बज गए ठीक है एंड मैंने अभी खाना भी नहीं खाया भाई और भूख से मर रहा हूं मैं तो मुझे मसला नहीं है मैं आप लोग या तो आधा घंटा वेट कर लो और फिर मैं वो खाना खा के वापस आ जाता हूँ और सवालों का सेशन फिर शुरू कर देते <laughs> तो ये है बस अच्छा सही है मैं चेक करता हूँ फिर मुझे तो मुझे मैसेज uh, करो ठीक है ना? आप मैं आई हैव टू टेक इस क्वेश्चन बिकॉज़ ये ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन और जो लोग अंडर द इम्प्रेशन थे कि मैं उनको जो है ना यहाँ पे करूंगा मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दे मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ मुझे मसला नहीं है अच्छा चलें एक काम करते हैं रुके। नहीं यार सवाल बहुत है <laughs> भाई आप सब लोग इजाजत दे दो जो लोग समझ रहे हैं कि पर्ची हैं मोतसिन

एक तो ये कि लास्ट टाइम भी क्रिटिसिज्म हुआ था थोड़ा बहुत फाइव uh, जो शॉर्ट हो और एक लंबा क्वेश्चन हो जो पंद्रह मिनट का हो कि प्लीज मेक श्योर के लोग जो है ना वो सबके सब मतलब ये मैं सबके लिए, लिए कह रहा हूँ ताकि सबका टाइम uh, का फायदा हो जाए प्रीवियस सेशन और करंट सेशन जो है उससे रिलेटेड सवाल तो उस हो तो उससे ये होगा कि किसी के अगर पांच भी होंगे ना तो सेशन जल्दी जल्दी रैप अप होगा असल में होता है कि बहुत सारे सवाल जो होते, होते हैं ना वो आउट ऑफ द वे होते हैं ना प्रीवियस सेशन के होते हैं ना करंट सेशन के होते हैं या तो वो फ्यूचर के होते हैं या तो वो ऑफ द टॉपिक होते हैं ये बेसिकली मेरा एक सजेशन है बाकी ये कि वो सवाल वगैरह जो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भी कर सकता है मुझे कोई इशू नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो गया और आपने 450 से अब आप के रिप्लाई दे दिए तो सही है मैं अगली मरतबा कर लूंगा नो इशू थैंक यू वेरी मच तुम कर लो सवाल कोई मसला नहीं है नहीं 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 वो फिर आ, सही बात है कि फिर बाकी लोग भी हैं लाइन के अंदर मतलब वो कितने मॉडेस्ट है और बाकी उसने बात ने सच बोली सब लोग यहाँ पे एक दूसरे का टाइम बचाएं और रिलेवेंट क्वेश्चन करें तो हेल्प हम एक दूसरे की ही कर रहे हैं यहाँ पे कोई वो मसला नहीं है तो प्लीज कीप इट रेलिवेंट एंड इट्स नॉट अबाउट एंड हाँ ठीक है uh, मुझे ये I agree. Uh, in fact, ये बात की आई अग्री इनफैक्ट ये बात मुझे भी जहन में रखनी चाहिए कि क्वेश्चन पांच हो वो जल्दी जल्दी जवाब देने वाले हो या एक लंबा क्वेश्चन हो मे बी वी कैन एडजस्ट टू दैट ठीक है नेक्स्ट टाइम हम सब इस बात का ख्याल रखेंगे ठीक है ओके गाइस आई एम ऑफ देन तुम लोग सब अपना ख्याल रखना और तुम लोग जो है ना अपना स्टोर बनाने के ऊपर जो है ना फोकस करना स्टार्ट कर दो प्रोडक्ट्स किसको भेजने हैं कैसे भेजने हैं मुझ तक कैसे आएंगे ये अगले दो तीन दिन में तुम लोग को पता चल जाएगा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़